हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माशाल्लाह, अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो मी 2.0 वालों, कैसे हो यार तुम सब लोग। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और आपने थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट वन लेक्चर अच्छी तरह से देख के, नोट्स बनाकर, रिवाइज कर उसके होमवर्क को कर लिया होगा। आज हम डील करने जा रहे हैं इसका लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, जो भी आप कहना चाहें, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन जो लास्ट क्लास में था और जो आज की क्लास में है, कुछ कुछ पोर्शन इसका फिजिक्स से भी रिजेंबल करता है। तो ऑब्वियसली आपको एडवांटेज दोनों जगह पर ही मिलेगा, दोनों क्लासेस का। अब क्लास को हम शुरू करते हैं, बट क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि एक जो टीचर होता है ना, वो टीचर तो होता ही है, बट वो ये भी जानता होता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो कुछ और रिजल्ट हो सकते हैं, और कुछ अगर गलत बातें करेंगे तो रिजल्ट कुछ और हो सकते हैं, जिसको मैं आपको बयान करना चाहता हूं क्लास शुरू होने से पहले। क्या सामने आपको एक इमेज नजर आ रही है? ये एक बहुत फेमस मीम है जिसमें हुआ क्या था कि शायद बिहार में, पटना में कहीं पर बंद रखा गया था, और रिपोर्टर आके पूछता है किसी पर्सन से, ठीक है, कि क्या बंद रखा गया। कह रहा हाँ बंद रखा गया, बट सब कुछ शांति पूर्वक चलेगा, है ना। और जैसे ही रिपोर्टर अभी बात ही कर रहा था, इन्होंने बोला भी कि सब कुछ शांतिपूर्वक चलेगा, उसी समय सिर्फ कुछ क्षणों के बाद ही उन्होंने एक टेम्पो पर अटैक कर दिया डंडे से, ठीक है। सर या इसका हमारी क्लास से क्या लेना देना है, मैं बताना चाहता हूं, ये आप ही के ऊपर है अगर आपने हमारी कुछ बातों को फॉलो नहीं किया तो। कैसे, ये देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए। आफ्टर नीट रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, ओके, तो फिर क्या होगा? तो सबसे पहले आपके जो पिताश्री का रिएक्शन होगा वो यही होगा कि कोई बात नहीं, जो भी मार्क्स आए हैं वो बता दीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। एंड माई डैड आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है। तो इस मीम से बताने का संकल्प यही था, बताने का मतलब यही था कि क्लास में आए हैं उम्मीद 2.0 के स्टूडेंट हैं या रैंडम ही घूमते फिरते आ गए हैं, मेक श्योर करिएगा कि क्लास को आप पूरा लें, अंत तक जुड़े रहें, नोट्स जरूर बनाएं, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें, आपको ऐसी किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा नीट के रिजल्ट के बाद, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज होती है, वहां से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहली है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझेंगे, फिर स्टैंडर्ड का मतलब समझेंगे, ठीक है सर। सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में एक मोल कंपाउंड का बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, किस से बनाया जाएगा, उनके एलिमेंट से बनाया जाएगा, और वो होंगे एलिमेंट्री स्टेट में। सर क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा और क्लियर करिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इधर देखिए, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, बट कंसीडर उसका क्या करना है, 1 मोल, ठीक है। सर हम HCl ले लेते हैं, बिल्कुल जी, HCl होता क्या है सर, गैस होती है, बिल्कुल। सर हम जो लैब में HCl देखते हैं वो तो लिक्विड होता है, अरे भाई वो HCl गैस को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है, उसमें जाके वो आयनिक H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाता है, ठीक है। बट हम तो बात कर रहे हैं दैट इज HCl के बारे में बात कर रहे हैं, प्योर HCl के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या हमने 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाया है? यस। किससे बनेगा? अपने एलिमेंट से बनेगा। बताओ HCl किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है? सर एक तो हाइड्रोजन से और एक क्लोरीन से, ठीक है। और वो एलिमेंट होने किसमें चाहिए? एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए, एक क्लोरीन होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, एलिमेंट्री स्टेट में। सर एलिमेंट्री स्टेट का क्या मतलब है? जैसे वो एलिमेंट नेचर में पाया जाता है, क्या हाइड्रोजन H की फॉर्म में पाया जाता है? नहीं सर, वो पाया जाता है H2 गैस की फॉर्म में। क्लोरीन कैसे पाया जाता है? Cl2 गैस की फॉर्म में। दूसरी बात, आपको जो बैलेंसिंग करनी है हमेशा 1 मोल के हिसाब से करनी है, यानी कि यहां पर एक क्लोरीन है तो यहां पर हाफ Cl2 आ जाएगा,
एक एच है तो यहां पर हाफ एच टू आ जाएगा। इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा एच आएगा उसे मैं बोलूंगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसका? HCl का। किसका? HCl का। एक बार डेफिनेशन फिर रिपीट कर देते हैं। एक मोल कंपाउंड बनेगा अपने एलिमेंट से एलिमेंट्री स्टेट में, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, बट आपने तो क्या लिखा है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में होंगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कंडीशंस? टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर 180। सर क्या ये एसटीपी है? नहीं, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है वो अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड कंडीशंस क्या होंगी? जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा और प्रेशर क्या होगा? 180। नई बुक्स में यहां पर 1 बार भी आ रहा है, कोई बात नहीं। सर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐसे लिखा जाता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखा जाता है? ऊपर नॉट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। सर क्या एक और एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। क्या बनाओगे आपकी बार? बनाना एक मोल कंपाउंड है अपने एलिमेंट से एलिमेंट्री स्टेट में। सर कौन सा कंपाउंड बनाओगे? क्या बनाया था पिछले में? HCl। चलो आपकी बार अमोनिया बना देते हैं। कितना बनाओगे? एक मोल बनाओगे। किसमें? गैस में, क्योंकि अमोनिया गैस होती है, ठीक है। सर ये किससे बनेगा? कौन कौन से किससे बनेगा? अपने एलिमेंट से एलिमेंट्री स्टेट में। सर कौन है इसके एलिमेंट बताओ? NH3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? सर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन लिखो एलिमेंट्री स्टेट में, हाइड्रोजन लिखो एलिमेंट्री स्टेट में, और इनको बैलेंस कर दो वन मोल के हिसाब से, वन मोल के हिसाब से। यहां पर एक एन है तो यहां पर हाफ एन टू चाहिए, यहां पर तीन हाइड्रोजन है तो यहां पर 3H2 लिख दू? नहीं सर, 3H2 लिखोगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, सर 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6, हमें तो 3 चाहिए, तो 3/2 लिख दो। इस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसका मतलब है फॉर्मेशन ये अमोनिया की, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लिख दोगे तो स्टैंडर्ड में हो जाएगा। सर एक और हो जाए, सर एक और हो जाए, बिल्कुल यार एक और सही। चलो पहले इसी को थोड़ा और देखते हैं, और देखते हैं। मान लो मैंने यहां पर 1NH3 की जगह 2NH3 बना लिया। हां सर वो कैसे बनेगा? यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यहां पर भी जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1N2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 3H2 हो जाएगा। क्या इस रिएक्शन का डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कहलाएगा? नो सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एक मोल कंपाउंड बनता है। यहां पर कितने बने हैं? 2 बने हैं, ठीक है। क्या एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल है? नहीं। तो फिर इस रिएक्शन के डेल्टा एच का और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का क्या कोई रिलेशन है? हाँ रिलेशन है। क्या है? इस रिएक्शन का लिखा है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। क्या हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया? यस। तो यहां पर भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई। यस सर, वेरी गुड, ठीक है। सर अगर यहां पर 3 होता सब कुछ वही उसी के हिसाब से होता, 3 के हिसाब से बैलेंस किया होता तो 3 डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो जाता। वेरी गुड सर, ठीक है सर, समझ आ गई सर ये भी बात। सर एक एग्जांपल और, बिल्कुल यार, तो बताइए फिर कुछ उसके बारे में। चलो एग्जांपल एक दो और देते हैं, बट पहले कुछ एक आध लाइन बता दो, एक आध लाइन बता दो फिर देता हूं एग्जांपल। एग्जांपल तो देने ही है, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। All elements in elementary state, in आना, हाँ in ही लिखा हुआ है। All elements in elementary state have standard enthalpy of formation is equal to 0. जितने भी elements हैं, जैसे वो nature में पाए जाते हैं, उन सब का standard enthalpy of formation 0 होगा। सर थोड़ा सा समझाइए, बिल्कुल। क्या ये पता है? सोडियम कैसे नेचर में पाया जाता है? हाँ सर ऐसे पाया जाता है, Na सॉलिड। तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। ओके सर, कोई और एलिमेंट कंसीडर कर लो, हीलियम कर रहे हैं? हाँ हीलियम। बताओ हीलियम कैसे पाया जाता है नेचर में? सर हीलियम गैस, तो उसका भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0। वेरी गुड सर। फ्लोरीन कैसे पाया जाता है? सर F2 गैस, इसका भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। क्लोरीन पता है कैसे पाया जाता है? हाँ सर पता है, Cl2 गैस, उसका भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। सर ब्रोमीन पता है कैसे पाया जाता है? यस ब्रोमीन,
लिक्विड होता है और काफी वोलाटाइल लिक्विड होता है। आपने ऑर्गेनिक में भी इसका यूज पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, फिजिकल में भी मैं बता रहा हूं आपको। ब्रोमीन लिक्विड होता है और काफी वोलाटाइल लिक्विड होता है। तो ब्रोमीन की एलिमेंट्री स्टेट Br2 लिक्विड है, ना के Br2 गैस, ठीक है। तो Br2 लिक्विड का भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा। सर आयोडीन का भी लिख दो, आयोडीन सॉलिड होता है, उसका भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो। सर और भी कईयों का लिख दो बेटा, किसका लिखना बताओ। कैल्शियम Ca सॉलिड जीरो होता है, आयरन Fe सॉलिड जीरो होता है। तो आप सारे के सारे एलिमेंट का लिख सकते हो। आपको लाइन सिर्फ ये याद होनी चाहिए, सारे एलिमेंट्स का एलिमेंट्री स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस कारण मैं इसे MIT में इंक्लूड कर रहा हूं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी बातें तो आपको समझ आ गई। सर दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में अभी भी अराइज हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन, आपने पता क्या कर दिया, हीलियम गैस लिख दिया, क्योंकि हीलियम नेचर में सिर्फ एक ही फॉर्म में पाया जाता था, HE गैस। आपने लिख दिया उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो। बट सर कई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एक से ज्यादा फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट भी पाया जाता है, डायमंड भी, कोक भी, चारकोल, बहुत सारी फॉर्म में पाया जाता है। क्या सबका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है? नहीं, उसके लिए वैल्यू फिक्स कर रखी है IUPAC ने, या आप ऐसा भी कह सकते हैं जो उसकी मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म होगी, मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म होगी, ठीक है। कई बार स्टेबिलिटी को देखा हुआ है, कई बार कॉमन फॉर्म को देखा हुआ है, इसी कारण मैंने मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट कॉमन बोल दिया। उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो बोला हुआ है IUPAC ने। सर एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कार्बन के केस में कार्बन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। हाँ सर, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। क्या हर एक का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है? नहीं, उसकी मोस्ट स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है। तो कार्बन ग्रेफाइट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो है, कार्बन डायमंड का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं है। अगर कोई पूछे कार्बन की एलिमेंट्री स्टेट क्या है, आप बोलेंगे कार्बन ग्रेफाइट, आप उसे कार्बन डायमंड नहीं बोलेंगे। वेरी गुड, ठीक है। सर ऐसे तो और भी होते हैं, सल्फर के भी कई एलोट्रॉप होते हैं, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, इस तरह से, ठीक है। तो सल्फर का रोम्बिक फॉर्म जो होती है वो है उसकी, सल्फर की एलिमेंट्री स्टेट रोम्बिक फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि रोम्बिक में तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो है, मोनोक्लिनिक में नहीं है या किसी और में नहीं है। सर ऐसे फॉस्फोरस भी होता है, फॉस्फोरस तो तीन फॉर्म में पाया जाता है, व्हाइट, रेड और ब्लैक, ठीक है। व्हाइट वाले को हम येलो भी बोल देते हैं, ठीक है सर। तो उसमें से किसका मोस्ट कॉमन फॉर्म उसकी होती है फॉस्फोरस व्हाइट, उसी का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या पाया जाता है, जीरो पाया जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने दिमाग में रखिएगा। अभी भी मैंने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का पीछा नहीं छोड़ा है, मैं आपको एक आध क्वेश्चन दिखाता हूं थोड़ा ऊपर करके। क्या मैं अब की बार एक मोल CO2 बनाना चाहता हूं? CO2 होती क्या, गैस, ठीक है। एक मोल कंपाउंड बनाया जा रहा है अपने एलिमेंट्री स्टेट में, किससे बनाया जाएगा, अपने एलिमेंट्स एलिमेंट्री स्टेट में। इसके एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? कार्बन लिखो एलिमेंट्री स्टेट में, और क्या लिखो, ऑक्सीजन लिखो एलिमेंट्री स्टेट में। बताइए जल्दी जल्दी। सर कार्बन की एलिमेंट्री स्टेट जस्ट पिछले पेज में लिखी है आपने, वो थी ग्रेफाइट, और ऑक्सीजन पता ही है O2 गैस, ये होगा। दैट इज एक मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से बना है एलिमेंट्री स्टेट में। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलना है तो यहां पर बस नॉट लगा दीजिए। वेरी गुड, मुझे जल्दी से बताइए क्या इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल सकते हैं कि नहीं? सर रिकॉर्डेड क्लास है, अरे तुम घर पे बैठ के भी बोलोगे, मेरे दिल तक आवाज पहुंच जाएगी, एक बार ट्राई तो करके देखो आप, ठीक है। ये रहा इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, क्या मैं उसे डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल सकता हूं? आंसर है सर आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। सर क्यों नहीं बोल सकते, आप बताइए,
क्या यहां पर जो कंपाउंड बना है उसके एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में है? नहीं है सर, ऑक्सीजन तो है बट कार्बन किसमें लिखा हुआ है? डायमंड में लिखा हुआ है, जो कार्बन की एलिमेंट्री स्टेट नहीं है। कार्बन की एलिमेंट्री स्टेट कौन सी है? दैट इज ग्रेफाइट। ओके सर, ये भी समझ आ गया। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा एक्सेप्शन है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। एक बार ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये आ चुका है। क्या ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा है? यस। किसका? H पॉजिटिव एक्वस का। H पॉजिटिव एक्वस का वो क्या होता है? जीरो। सर ये हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट नहीं है, मैं जानता हूं ये हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट नहीं है, बट इसे लेट किया जाता है। एक बार पता है एक न्यूमेरिकल आया था और उसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड एक्वस की वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो उस साल बच्चे एग्जाम में वो क्वेश्चन छोड़ के ही आ गए ये सोच के कि ये तो वैल्यू ही नहीं गिवन थी, वैल्यू दी होनी चाहिए थी। अरे भैया ये वैल्यू जीरो होती। तो इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा, ये बहुत जगह आपके काम आएगा। सर क्या इसका मतलब ये हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन गैस का जीरो नहीं होता? नहीं, वो तो होता ही है। हाइड्रोजन ऐसे ही पाया जाता है एलिमेंट्री स्टेट में, उसका तो होगा ही, साथ में एच पॉजिटिव आयन एक्वस का भी होगा। ठीक है सर, बात समझ आ गई। आगे बढ़ते, एक और छोटी सी बात है जो पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करना है हमें। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी गिव्स यू सी। इस रिएक्शन जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहने का मतलब है ए और बी आपस में कंबाइन करेंगे, सी बनाएंगे और साथ में बहुत सारी हीट निकलेगी, आग लगा देंगे। दैट इज इंस्पायर्ड बाय अनुमलिक, यानी कि डेल्टा एच क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बहुत सारी हीट क्या होगी? रिलीज होगी। बहुत सारी हीट क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है सर, कितनी रिलीज हुई? मान लेते -50 किलो जूल रिलीज हुई। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। या तो आप इस डेल्टा एच को ऐसे लिखेंगे, या ऐसा भी लिख सकते, इसी रिएक्शन को दोबारा लिख रहा हूं, रिएक्शन नहीं चेंज करी मैंने, ऐसा भी लिख सकता हूं, सी प्लस 50 किलो जूल। दोनों लाइनों का मतलब सेम है, दोनों लाइनों का मतलब सेम है। यहां पर लिखा क्या हुआ है? चेंज इन एंथैल्पी 50 किलो जूल है, यानी कि 50 किलो जूल ऑफ हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। इस लाइन का भी मतलब है यही है कि ए प्लस बी से जब सी बनेगा, साथ में 50 किलो जूल ऑफ हीट या 50 किलो जूल ऑफ एनर्जी, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, वो क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ठीक है सर, यह बात समझ आ गई है। बोथ आर सेम, दोनों सेम है। अगर कहीं सी में हीट 100 किलो जूल रिलीज हो रही है तो उसका मतलब डेल्टा एच -100 किलो जूल है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है डेल्टा एच -200 किलो जूल है तो हम बोलेंगे कि वहां पर हीट +200 किलो जूल रिलीज हो रही है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl बताना है। यहां से क्या आपको पता है, यहां पर 1H2 1Cl2 से 2HCl जब बन रहा है, 2HCl जब बन रहा है तो हीट रिलीज कितनी हो रही है? दैट इज +44। प्लस का मतलब है हीट रिलीज। जब भी प्रोडक्ट साइड में प्लस लिखा जाएगा और डेल्टा एच का साइन नहीं होगा, इसका मतलब है हीट रिलीज कितनी हुई है? दैट इज 44 किलो कैलोरी। यानी कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना हो जाएगा सर? -44 किलो कैलोरी। अभी पिछले पेज पे समझाया है ना, ये +50 तो वो -50। ठीक है सर, और उल्टा भी हो सकता था, अगर ये -50 होता तो वो +50 होता। ठीक है सर, ठीक है तब रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ, हमें क्या निकालना है? आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालना है। क्या याद है, अगर HCl का फॉर्मेशन करना है तो एक मोल कंपाउंड का करना है। किससे करना है? एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट से, दैट इज H2 गैस, Cl2 गैस, एक मोल के हिसाब से बैलेंस करना, एक मोल, यानी कि यहां पर हाफ आ जाएगा, यहां पर भी हाफ आ जाएगा। हमें यह निकालना है, यही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl है।
क्या साफ पता चल रहा है, जो ऊपर रिएक्शन दी हुई है वो ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HCl है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। यहां पर दो मोल HCl के बन रहे हैं एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट से, हमें यहां पर एक मोल HCl का बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आई थी उसको टू से डिवाइड कर देंगे। आप ऐसा कहना चाहो आप ऐसे कह सकते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट, ये जो आगे लगे हुए हैं मोल्स, इनको अगर हाफ कर दिया है आपने तो एंथैल्पी को भी आप हाफ कर देंगे, यानी कि आ जाएगा -22 किलो कैलोरी पर मोल। ऑब्वियसली एक मोल बना, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इतना दे रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, आपसे पूछा हुआ है एंथैल्पी चेंज इसके लिए, क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यही मतलब होता है एक मोल कंपाउंड का बनाना अपने एलिमेंट से एलिमेंट्री स्टेट के। इसके एलिमेंट कौन है, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट N2 गैस, हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट H2 गैस, एक मोल के हिसाब से बैलेंस करना, एक मोल के हिसाब से। यहां पर 1 है तो यहां पर हाफ आ जाएगा, यहां पर 3 है तो ये 3/2 हो जाएगा। आपको इसका डेल्टा एच दे रखा है 46 किलो जूल पर मोल, द एंथैल्पी चेंज इसके लिए पूछा हुआ है, इसके लिए, इसके लिए पहले ये चेक कर लीजिए रिएक्शन को रिवर्स किया गया है क्या, यहां पर जो प्रोडक्ट था वो वहां रिएक्टेंट हो गया है, यहां पर जो रिएक्टेंट था वो यहां पर प्रोडक्ट हो गया। यस, जब भी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, जब भी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं डेल्टा एच का साइन भी उल्टा हो जाता है, यानी कि ये प्लस 46 था तो ये -46 होगा। ठीक है, दूसरी बात, क्या ये एक मोल के लिए रिएक्शन लिखी गई है और ये दो मोल के लिए लिखी गई है, तो ऑब्वियसली अभी जस्ट पीछे बताया था मैंने, अगर नंबर ऑफ मोल्स को डबल कर देंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल। ठीक है सर, -46 × 2 -92 किलो जूल, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हमने एक एंथैल्पी पढ़ी जिसका नाम क्या था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एक नई टाइप की एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आपको पता ही है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या पूरी केमिस्ट्री में ही, इनऑर्गेनिक के थोड़े पोर्शन को छोड़ दें, तो हमेशा जो आप कंबशन करते हैं ना, जलाते हैं, किसको जलाते हैं, हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी हो। ठीक है, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, फिजिकल में भी पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, अरे सर उसमें तो हाइड्रोजन को जलाते हैं, हाइड्रोजन कार्बन थोड़ा, सॉरी हाइड्रोकार्बन थोड़ा, ठीक है, नहीं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है वैसे ही हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी होते हैं, मीथेन का कंबशन भी हो सकता है, इथेन का भी हो सकता है, प्रोपेन एंड सो ऑन। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ, वापिस सुनिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, इतना तो पता चल गया कि किसी का कंबशन होगा, किसी का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाएगी। हाइड्रोकार्बन्स में जनरली यही होता है, जब आप कंबशन कराते हैं तब आप लिखा हुआ ना, ऑक्सीजन तो अंदर चल और कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल। यस, बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब भी आप हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सर यही रेस्पिरेशन वगैरह में भी होता है, मैं जानता हूं, बट हमारा काम अभी केमिस्ट्री में है तो मैं उसी पर रखता हूं। सर डेफिनेशन बताइए क्या है, एक मोल कंपाउंड का कंबशन कराया जाएगा, जो उससे एंथैल्पी निकलेगी वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। डेफिनेशन क्या होगी, 1 मोल ऑफ कंपाउंड अंडर गोस कंबशन, ठीक है, द एंथैल्पी चेंज, जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है सर, कोई एग्जांपल देंगे, हाँ कोई भी एक मोल ले लीजिए सर, मीथेन से शुरू कर लीजिए, वेरी गुड, क्या मीथेन गैस होती है, यस। सर क्या सबको एलिमेंट्स को एलिमेंट्री स्टेट में रखना है, यस। ठीक है, जब मीथेन का कंबशन कराया जाएगा ऑक्सीजन के साथ, लिखा ही हुआ है ऑक्सीजन तू अंदर चल
एक बात तो पक्का पता है कि CO2 तो बनेगी बनेगी, हाँ सर, और साथ में क्या बनेगा, H2O, CO2 गैस फॉर्म में बनती है, H2O लिक्विड, बच्चों को नजर आ रहा है H2O लिक्विड, यस नजर आ रहा है H2O लिक्विड, बस अब इसको बैलेंस कर लीजिए, एक कार्बन है तो एक CO2, चार हाइड्रोजन है तो 2H2O, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, दो एटम यहां पे, दो एटम यहां पे, चार, यानी कि 2O2 हो गए चार, ठीक है। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्योंकि एक मोल मीथेन का कंबशन कराया तो मीथेन का लिख दो, और अगर यही स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कराया होता, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो उसे बोल देते स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड के लिए ऐसा वर्ड आ जाएगा। सर एक आध और एग्जांपल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते बेटा, मुझे यह बताइए, क्या अगर हमने किसी इथेन का कंबशन कराया होता, इथेन का क्या बनता, सर ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाएंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पर दो कार्बन है तो 2CO2, छह हाइड्रोजन है तो 3H2O, पहले कार्बन बैलेंस करें, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करें, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करें, ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे, चार, और यहां पर तीन, तो 7/2 रख। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, क्योंकि एक मोल इथेन का कंबशन कराया है, बाकी सारी चीजें एलिमेंट्री स्टेट में जैसे वो पाए जाते हैं, ठीक है सर, स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए नॉट लगा दिया। अब एक कमाल की बात देखिए, क्या मैं इस रिएक्शन को एंथैल्पी, क्या मैं इस रिएक्शन को क्या मैं इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन बोल सकता हूं, कार्बन कहना है कार्बन कह लीजिए, ग्रेफाइट कार्बन, ग्रेफाइट कहना है कार्बन, ग्रेफाइट कह लीजिए, हां सर बिल्कुल बोल सकते हो, आपने एक मोल कार्बन का कंबशन कराया है जब वो अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है, तो इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन बोल सकते हो। क्या मैं इस रिएक्शन को ये अगर नॉट लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं सर, अब स्टैंडर्ड हो गया, इस रिएक्शन के स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन बोल देंगे, नो इश्यूज। ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, बताइए, क्या इसी रिएक्शन के डेल्टा एच को क्या मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल सकता हूं, यस और नो। सर आपने एक मोल CO2 बनाया है अपने एलिमेंट से एलिमेंट्री स्टेट में, वाकई इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल सकते हैं, यानी कि एक ही रिएक्शन का डेल्टा एच किसी के लिए कंबशन या किसी के लिए फॉर्मेशन हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं, तो बस वो देखने का आपका नजरिया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता चले कि हम किसी रिएक्शन को लिखते कैसे हैं और उसके मतलब को समझते कैसे हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना कि रिएक्शन। अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच फाइंड आउट करना, ऑब्वियसली वो डेल्टा एच या तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो सकता है या एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। सर कुछ और क्या, जो अभी पढ़ा नहीं, अभी पढ़ेंगे 5-10 मिनट बाद वो भी पढ़ेंगे, बट अभी तक सिर्फ दो ही चीजें पढ़ी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा जा सकता है। हिंदी में बिल्कुल एक बात बता रहा हूं, फिर उसको MIT पॉइंट में यहां पर लिख भी दूंगा मैं आपको, बट बात को सुनिएगा समझिएगा, हमसे क्या पूछा गया है वो मैटर नहीं करता, कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा गया, नहीं मैटर करता, इट डज नॉट मैटर टू एस, हमें क्या गिवन है हमें उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना है, हमें क्या गिवन है हमें उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, चाहे पूछा कंबशन गया क्या पूछा गया नहीं मैटर करता, डज नॉट मैटर, अगर मुझे फॉर्मेशन गिवन है तो मैं फॉर्मेशन के हिसाब से फॉर्मूला लगाऊंगा,
कंबशन गिवन है, मैं कंबशन के हिसाब से फॉर्मूला लगाऊंगा। वेरी गुड सर, ठीक है, जो गिवन है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। ठीक है सर, क्या फॉर्मूला लगाना है ये भी बता दीजिए, वो भी बताते हैं, बट थोड़ा सा लिख ले पहले। क्या जो हमसे पूछा गया, व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड, इट डज नॉट मैटर टू अस। जो फॉर्मूला गिवन है डेल्टा एच, उसी के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है सर, जो गिवन है उसी के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, बीच में थोड़ी हिंदी इंग्लिश और फिर हिंदी हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब समझ आना चाहिए सर। वो है क्या फॉर्मूला तो बता दो अब कम से कम। बिल्कुल बता रहे हैं यार, अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया, क्या बोला, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, मैंने पूछा गया बोल दिया गलती से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो फॉर्मूला होगा एक्स इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सर ये क्या लिख दिया, बताते हैं, वाई इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सर इस साइन का मतलब क्या है, दैट इज समीशन। समीशन का मतलब है ऐड कर रहा है, किसको ऐड करना है, एक्स है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो जो प्रोडक्ट्स दे रखे हैं उन सब के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उनके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब नंबर ऑफ मोल से, उन सबको ऐड कर लेंगे। पहला प्रोडक्ट उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मल्टीप्लाइड बाय उसके मोल्स, दूसरा प्रोडक्ट उसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसके नंबर ऑफ मोल से प्रोडक्ट कर देंगे, अगर कोई तीसरा प्रोडक्ट है उसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और उसके नंबर ऑफ मोल से प्रोडक्ट कर देंगे। जो भी ये तीनों वैल्यूज आई हैं इनको ऐड कर देंगे। ठीक है सर, माइनस वही समीशन। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पहले रिएक्टेंट का, सिमिलरली दूसरा रिएक्टेंट उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को प्रोडक्ट करेंगे, अगर कोई तीसरा होगा तो तीसरे को भी करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, और फिर जो प्रोडक्ट का आया जो रिएक्टेंट का आया उसको सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लैरिटी आएगी, थोड़ी थोड़ी बात समझ आ गई है। मान लो क्वेश्चन में आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन होता, क्या होता, एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन होता, तब क्या करते, तब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा, रहेगा यही, बस यहां पर प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट आ जाएगा, रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट आ जाएगा। एंथैल्पी ऑफ सी मतलब कंबशन, हा? पहले रिएक्टेंट आ जाएगा फिर प्रोडक्ट आ जाएगा, लिख देते हैं थोड़ा COMB ताकि आपको थोड़ा आसान लगे कि बात कंबशन के बारे में हो रही है। देखिएगा, दिस इज MIT। सर अगर हमें स्टैंडर्ड पूछा जाता तो बस बेटा यहां पर नॉट लगा देना, नॉट लगा देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्वेश्चन करिए, हमें ज्यादा क्लैरिटी उसी से आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे ये देखिए क्वेश्चन, हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन का गिवन है, उसकी वैल्यू ये है, CO2 का गिवन है, उसकी वैल्यू ये है, आपसे डेल्टा एच इस रिएक्शन का पूछा गया है। मीथेन का गिवन है, CO2 का गिवन है और H2O का भी गिवन है, जो कि यहां पर टाइप करते टाइम रह गया, मैं उसे लिख देता हूं, वो ये ध्यान से देखिए, तीनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। आपको क्या
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा हुआ है मीथेन का, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा हुआ है मीथेन का। यस सर, मीथेन का कंबशन हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है जस्ट पिछले पेज पे, जो हमसे पूछा गया है वो हमें मैटर नहीं करता, जो फॉर्मूला गिवन है डेल्टा एच उसी के हिसाब से लगाएंगे। हमें गिवन क्या है, दैट इज सॉरी, हमें गिवन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला, पहले प्रोडक्ट के फिर रिएक्टेंट के स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो जरा, तो डेल्टा एच कैसे लगाऊंगा, सबसे पहले प्रोडक्ट का, एक ये प्रोडक्ट है एक ये प्रोडक्ट है, इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस वाई है, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस वाई से, पहले प्रोडक्ट वाले लिख रहा हूं। दूसरा प्रोडक्ट H2O है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस जेड है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 इंटू माइनस जेड स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट के बारे में बात करते हैं। क्या पहला रिएक्टेंट मीथेन है, उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस एक्स है, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑक्सीजन का, सर ये एलिमेंट है, हर किसी एलिमेंट का एलिमेंट्री स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, हर किसी एलिमेंट का एलिमेंट्री स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, यानी कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 से, तो उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था। क्या आंसर आ चुका है, यस सर, दिस इज माइनस वाई माइनस जेड और क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो सर आंसर क्या आ गया, एक्स माइनस वाई माइनस जेड किसमें आ जाएगा, दैट इज ये भी किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, तो ये भी किसमें होगा, किलो जूल पर मोल। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सर और क्वेश्चन कराइए, इसी टॉपिक पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आज ही करेंगे, बट ये तो थोड़ा एक रफ आइडिया देने के लिए था। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। जब भी किसी आप फ्यूल का कंबस्शन कराते हैं, फ्यूल अरे कोई भी एलपीजी सीएनजी पेट्रोल डीजल मीथेन इथेन जो भी हो यार, ठीक है, जब भी किसी आप फ्यूल का कंबस्शन कराते हैं, क्या वहां से बहुत सारी हीट निकलती है? हाँ सर, वहां का माहौल बहुत गर्मा गर्म हो जाता है। हाँ, तो 1 ग्राम फ्यूल की कंबस्शन से, क्या बोला, 1 ग्राम फ्यूल की कंबस्शन से जितनी हीट निकलेगी वो क्या कहलाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। 1 ग्राम फ्यूल के कंबस्शन से जितनी हीट निकलेगी वो क्या कहलाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, सर एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं, हमने मीथेन का कंबस्शन कराया, क्या उससे हीट रिलीज होगी, हां सर रिलीज होगी, कितनी रिलीज होगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एक्स किलो जूल पर मोल, एक्स जूल लिख देता हूं, किलो जूल भी लिख सकते थे, बस ऐसे ही थोड़ा जगह नहीं है तो, पर क्या मतलब हुआ इसका, 1 मोल मीथेन के कंबस्शन से जो हीट निकल रही है, पता है ना डेल्टा एच माइनस एक्स है तो हीट प्लस एक्स होगी, 1 मोल मीथेन से जो हीट निकल रही है वो कितनी है, प्रोड्यूसेस हीट, अगर हीट में आंसर देना है तो एक्स लिखूंगा, डेल्टा एच में देना है तो माइनस एक्स लिखूंगा, एक्स किलो जूल। ठीक है, सबको पता है 1 मोल का मास कितना होता है, सर उसका मोलर मास निकालना आता है कार्बन, इसका मीथेन का, यस सर, कार्बन का 12 होता है 1 × 12, हाइड्रोजन का 1 होता है 4 × 1, सर 16 ग्राम आ गया, यानी कि 1 मोल का मतलब है 16 ग्राम से इतनी हीट निकल रही है। अगर आपसे कैलोरीफिक वैल्यू पूछी होती मीथेन की तो 1 ग्राम से निकालनी है, 1 ग्राम से, वो कैसे निकलेगी, एक्स बाय 16 किलो जूल। ठीक है, तो यूनिट वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना कि सर ये किलो जूल में है ये ग्राम में है, वो अपने हिसाब से आप कर लेना, वो उसमें कोई वरी वाली बात नहीं है। दिस इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इन किलो जूल पर ग्राम। ठीक है सर, आगे बढ़ते, कौन सा फ्यूल ज्यादा अच्छा होगा,
जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, जिसके एक ग्राम के कम्बशन से बहुत सारी हीट निकलेगी, हम कहेंगे यार ये फ्यूल ज्यादा अच्छा है, इसको सिलेंडर में भरा जा सकता है, सीएनजी सिलेंडर में भरा जा सकता है, एलपीजी सिलेंडर में भरा जा सकता है, ठीक है, ताकि उससे हीट ज्यादा निकले, ज्यादा देर तक वो हमारी गाड़ी को चला पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। से स्टैंडर्ड वर्ड हटा दिया, अरे स्टैंडर्ड रख लेना यार, बस ऐड क्या कर देना, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस लगा सकते हैं आप। चलिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता क्या, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, नाम सुने होंगे बहुत सारे सर, इथीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, पेंटीन, इस तरह से, ठीक है, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन डाला जाता है तो वो सैचुरेटेड बनाने पर, हाइड्रोजनेशन करने पर, अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन डाला, उससे सैचुरेटेड कंपाउंड बनाया, क्या एंथैल्पी चेंज आएगा, उसी एंथैल्पी चेंज को क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कह सकते हो, बात एक ही है, हाइड्रोकार्बन भी तो कंपाउंड ही होता, उसमें हाइड्रोजन डाला, पता नहीं एक मोल, दो मोल, चार मोल, पांच मोल, वो तो डिपेंड करेगा ये कितना ज्यादा अनसैचुरेटेड है, ज्यादा अनसैचुरेटेड है तो हाइड्रोजन ज्यादा कंज्यूम होगा और कम है तो कम कंज्यूम होगा, क्या बनेगा, एक मोल सैचुरेटेड कंपाउंड। सर हमें कैसे पता चलेगा कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया है, अनसैचुरेटेड वो होता है जिस हाइड्रोकार्बन में या तो कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, और सैचुरेटेड वो होता है जिसमें हर किसी में सिंगल बॉन्ड होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा वो क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। किसका, जो भी अनसैचुरेटेड, अगर ये इथीन था तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन इथीन का, अगर ये प्रोपाइन था तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन प्रोपाइन का। सर स्टैंडर्ड लगाना है तो लो यार स्टैंडर्ड लगा लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, जैसे सर एक एग्जांपल, बिल्कुल, क्या इथीन का नाम सुना है, यस सर, फॉर्मूला पता है, यस सर, क्या आपको साफ नजर आ रहा है, यहां पर यह गैस है, गैस है, और यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगी, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगी, सिंगल बॉन्ड में, देखिए अब ये सैचुरेटेड हो गया, यस सर कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल हो गई। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा वो कहलाएगा डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन। किसका सर, इथीन का, स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिखना होगा तो नॉट लगा लेगा, ठीक है, तो आप किसी का भी आप रख सकते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सर ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है, किसी भी एक मोल एनहाइड्रस कंपाउंड को एक मोल हाइड्रेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा लिखते हैं फिर समझते हैं, एक मोल एनहाइड्रस कंपाउंड लिया, उसके ऊपर पानी के कुछ छींटे मारे, पानी में डाला नहीं है उसे, ये पानी के छींटे हैं, पानी के छींटे, पानी की ड्रॉप्स हैं, है ना, और क्या बन जाएगा, एक मोल हाइड्रेटेड कंपाउंड। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा वो कहलाएगा डेल्टा एच हाइड्रेशन। किसका, वही स्टैंडर्ड लगाना होगा तो स्टैंडर्ड लगाना, उससे कोई स्टैंडर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसका, इसका सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल से ज्यादा समय समझ आता है हमें, करना क्या है आपको, लेना है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। सर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऐसे लिखा जाता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऐसे लिखा जाता है, और ये वाइट होता है। आपको करना क्या है, इस कॉपर सल्फेट का वन मोल लेना है, दूसरी बात इसके ऊपर पानी के छींटे मार रहे हैं, ठीक है, देखा ना वो सब्जी वाले भैया जब सब्जी की रेडी लगा रखी होती है तो उनके ऊपर पानी के छींटे मारते रहते हैं, जैसे सब्जियां बेहोश हो गई हो और उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी ऐसा ही करना है, कॉपर सल्फेट रखना है एक मोल और उसके ऊपर पानी के छींटे मार रहे हैं, ठीक है, इसको हमें
वाटर में डिजोल्व करना नहीं है, नहीं है, इसको हमें वाटर में डिजोल्व करना नहीं है। ये नहीं पकड़ लेना कॉपर सल्फेट लिया, अगर इसको होश नहीं आ रहा तो इसको पानी वाली बाल्टी में डाल के घोल देना है। ये मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कॉपर सल्फेट लिया उसके ऊपर पानी के छींटे मारे। जैसे ही आप इसके ऊपर वाटर डालेंगे, ठीक है, कुछ बूंदे, तो ये अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 होती है और ये ब्लू कलर की होती है, ये ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, दैट इज ब्लू कलर का। ये इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है सर, याद रखिएगा ये यहां पर भी सॉलिड है और ये यहां पर भी सॉलिड है। दूसरी बात जो यहां पर आपको ख्याल रखनी है वो ये कि जब भी आप एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड बना रहे हो आपको इसको बैलेंस नहीं करना है। यहां पर कुछ भी पांच, वैसे पांच आएगा क्योंकि पांच जा रहे हैं वहां पे, तो पांच आएगा यहां पे, तो नहीं लिखना है आपको, कभी भी न्यूमेरिकल आएगा हाइड्रेटेड वाले केस में, हाइड्रेशन वाले केस में आपको इसे बैलेंस नहीं करना है, क्योंकि एक एक बूंद के अंदर अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। ठीक है सर, ये भी बात समझ आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सर ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? ये वही है जिसका एग्जांपल जस्ट पिछली पेज पे हमने देने की कोशिश करी थी कि अब की बार अगर आप कोई सॉल्ट लेंगे, कोई कंपाउंड लेंगे और उसको पानी की बाल्टी में डुबो देंगे, पूरा का पूरा मिक्स कर देंगे, उस समय जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे आप? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। वन मोल ऑफ कंपाउंड लेंगे और आप उसे एक्सेस ऑफ वाटर में डालेंगे, बहुत पानी होगा ना, शर्म से मैं पानी पानी हो जाऊंगा, ठीक है, मैं मतलब आप है यहां पे, वन मोल ऑफ एक्वस कंपाउंड बन जाएगा, एक्वस कंपाउंड बन जाएगा। वहां पर क्या था? ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, बट यहां पर ऐसा नहीं है, ये तो सॉलिड होगा बट वो पूरा एक्वस कंपाउंड बन जाएगा। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सर प्लीज इसका एग्जांपल दीजिए, व्हाई नॉट। सबसे पहले NaCl रख लेते हैं, क्या सॉलिड होता है? यस, NaCl पकड़ा, इसके ऊपर पानी की बूंदे नहीं डालनी है, इस पूरे एक मोल NaCl को पानी के अंदर डाल देना है, पूरा पानी की बाल्टी ली, एक्सेस में होगा, बाल्टी हो, टब हो, टंकी हो, समंदर हो, जहां आपका मन करे, जिस दिन आपका मन करे नहाने का, ये वही स्थिति हो सकती है। ठीक है सर, हमारा मन ही कभी नहीं करता वो मैं जानता हूं बेटा, बट मैं तो कह रहा हूं जब आपका मन करे, ठीक है, साल में एक आध बार, है ना। तो इस रिएक्शन में पूरे एक्सेस ऑफ वाटर में डाला है और NaCl एक्वस बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। स्टैंडर्ड लगाना होगा, स्टैंडर्ड लगा लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, ऐसा करिए हमें एंथैल्पी ऑफ ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट था इसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लिख के बताइए। कैसे लिखेंगे? इस कॉपर सल्फेट को एक्सेस ऑफ वाटर में डाल देंगे, ठीक है, यानी कि पानी की किसी बाल्टी में डाल देंगे। लिखो लिखो लिखो, लो सर ये लिया कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, इसको पानी में डाला एक्सेस में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर सल्फेट एक्वस में, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव, इसको भी 1N पॉजिटिव, 1NA पॉजिटिव, 1Cl नेगेटिव लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर यही हाइड्रेटेड होता, हाइड्रेटेड करना तब भी वही है, यहां पर भी आपको वाटर को बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बनेगा वही कॉपर सल्फेट एक्वस। ये क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो सर ऊपर वाला भी तो वही है? नहीं, वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, एनहाइड्रस, तो उसे लिखो सर, लिख देते हैं बेटा एन
एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, इन वाटर के मॉलिक्यूल को बैलेंस करना नहीं है, ना एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में ना एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में। ठीक है सर, बात समझ आ गई, आगे बताते हैं। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, नाम से ही पता चल रहा है, एक मोल एलोट्रॉप अपने ही किसी और एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर ले, या डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर ले, या फास्फोरस व्हाइट को फास्फोरस रेड में कन्वर्ट कर दें, उस समय जो चेंज आएगा एंथैल्पी का, उसे क्या बोलेंगे आप? एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। वन मोल कार्बन डायमंड को, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं फिर एग्जांपल लिखता हूं। वन मोल ऑफ एलोट्रॉप कन्वर्ट होगा वन मोल ऑफ अनदर एलोट्रॉप, एलिमेंट सेम ही होगा, अगर ये टिन है ये भी टिन है, ये कार्बन है ये भी कार्बन है, ये फास्फोरस है ये भी फास्फोरस है, तो जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है सर, सर एग्जांपल दीजिए, ये रहा वन मोल कार्बन डायमंड, वन मोल कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा, जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट। मैं तो एक मिनट रुकिए, मैं तो चाहूंगा कि आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करके देखें, मम्मी की या पापा की। ठीक है, आप कोई डायमंड की रिंग ले लें, डायमंड का नेकलेस ले लें, ठीक है, उसको बाहर निकालें और उसके डायमंड को कन्वर्ट करने की कोशिश करें ग्रेफाइट में। वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मैं उसके बारे में तो नहीं जानता हूं, मैं ये ज़रूर जानता हूं कि अगर आप ऐसा करने में आपने उसे गर्म वगैरह किया या आपने उस डायमंड को तोड़ दिया, तो डायमंड के टूटने के बाद किसी की हड्डियाँ भी टूटेंगी। ठीक है, तो जैसे दिल तोड़ने की आवाज़ नहीं होती, वैसे हड्डियां तोड़ने की आवाज़ नहीं होती। सर आपको कैसे पता हड्डियां टूटने की आवाज़ होती है? बेटा थी, हड्डियों के टूटने से जो चीख निकलती है वो पिताश्री पहले ही उसमें मुंह में कोई कपड़ा देके बंद कर चुके होंगे उस चीख को, तो उस समय भी कोई आवाज़ नहीं आएगी। सो ट्राई दिस एट योर ओन रिस्क। ठीक है, ये मत कहना कि सर आपने कहा था हमने करके देखा, उसके बाद की मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, सवारी अपनी हड्डियों की खुद जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं एंथैल्पी फेस चेंज में। फेस चेंज का मतलब है कि जब आप सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, लिक्विड से गैस जाएंगे, या सॉलिड से गैस जाएंगे उसमें। ठीक है, सबसे पहला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जब भी कोई एक मोल सॉलिड कन्वर्ट होगा उसी सब्सटेंस के एक मोल लिक्विड में, मान लेते हैं आइस मेल्ट हो रही है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में जा रहा है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली सॉलिड जो मेल्ट होगा वो मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सर स्टैंडर्ड पूछा होता तो लो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक सर, एग्जांपल दे दो, लो बेटा H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वन मोल लिक्विड कन्वर्ट होगा वन मोल गैस में, जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सर एग्जांपल ये रहा H2O लिक्विड, ये बॉयल हो रहा है
इसके वो क्या बोलेंगे आप, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट उसे क्या बोलेंगे आप, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का मतलब क्या है, जब कोई सॉलिड सीधा सब्लाइम होगा, किसमें, गैस में, सॉलिड सीधा कन्वर्ट होगा गैस में, क्या यह हर एक एलिमेंट के लिए किया जा सकता है? आंसर है नो, ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो सब्लाइम होते हैं, जो सब्लाइम होते हैं यानी कि सीधा सॉलिड से हीट करने पर गैस में कन्वर्ट होते हैं. तो ये एप्लीकेबल है पहली बात तो सब्लाइमेबल सॉलिड्स के लिए, सब्लाइमेबल सॉलिड्स के लिए. सर एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल, अमोनियम क्लोराइड, व्हाइट कलर के वेपर्स होते हैं, हीट करोगे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप ड्राई आइस भी बोलते हैं, इसको भी हीट करते हैं सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है. आयोडीन कैम्फर, है ना, कैम्फर पता है ना, कपूर जो पूजा के टाइम आप यूज करते हैं, या नेप्थलीन बॉल्स. सर ये कब यूज होती है ना, जब वो सर्दियां खत्म हो जाती है तो मम्मी स्वेटर वगैरह संभाल देती है ना, उसमें जो बॉल्स डाली जाती है वो यही है, नेप्थलीन बॉल्स है. तो इन सब चीजों के लिए, जैसे मान लीजिए आयोडीन सॉलिड से कन्वर्ट हो सीधा आयोडीन गैस में, तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा हम क्या बोलेंगे उसे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड. आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पहले अगर सॉलिड से लिक्विड बनेगा गर्म होने पर, वैसे सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, समझाने के लिए बता रहा हूं, और फिर आयोडीन यहां से गैस में कन्वर्ट हुआ, तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज आएगा क्या वो इन दो स्टेप्स की एंथैल्पी के बराबर होगा, सम के बराबर, जो टोटल एंथैल्पी चेंज आएगा यहां से यहां जाने पर क्या वो यही होगा, पहले सॉलिड से लिक्विड गया होगा फिर लिक्विड से गैस गया होगा. यस सर, ये मैं लेट कर रहा हूं आयोडीन के केस में. क्या डेल्टा एच वन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है? हाँ सर. क्या डेल्टा एच टू एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन है? यस सर. और क्या डेल्टा एच यहां से यहां जाने पर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है? यस सर. तो सॉलिड से गैस जाने पर उतनी ही हीट लगेगी जितनी पहले सॉलिड से लिक्विड जाने में लगी है, प्लस जितनी लिक्विड से गैस जाने में लगी है. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी होता क्या है, पहले डेफिनेशन लिखी हुई है समझ लेते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा. जब वन मोल ऑफ गैसियस कंपाउंड को, कोई एक मोल गैसियस कंपाउंड है, बात को ध्यान से सुनिएगा, वन मोल कंपाउंड तो है कौन सा, गैसियस, जब उसको आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में कन्वर्ट किया जाता है तो जिस उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी. ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुन. जैसे क्या वन मोल गैसियस कंपाउंड है? हां सर है. यहां पर एच और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ के जब हम दो हाइड्रोजन के आइसोलेटेड एटम्स बनाएंगे, एक एच कहीं और दूसरा एच कहीं और, तो इसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस. याद रखिएगा ये गैसियस के लिए, गैसियस, यहां पर अगर हाइड्रोजन सॉलिड होता अगर उसे 2H गैस में कन्वर्ट करता तो वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन नहीं है. सर फिर वो क्या है वो भी थोड़ी देर में बताते हैं, बट पहले इसके दो चार एग्जांपल्स बताते हैं. सर एक और एग्जांपल, बिल्कुल, मान लीजिए 1O2 गैस है, यहां पर भी O और O के बीच में डबल बॉन्ड होती है, इन बॉन्ड्स को तोड़ के दोनों ऑक्सीजन एटम्स को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है सर. अगर कभी भी आपको कहीं पर बॉन्ड एनर्जी गिवन हो, क्या गिवन हो, बॉन्ड एनर्जी गिवन हो, रिएक्टेंट की भी एज वेल एज प्रोडक्ट की भी, और आपको डेल्टा एच फाइंड आउट करना हो, चेंज इन एंथैल्पी फाइंड आउट करना हो, तो याद रखिएगा फॉर्मूला वही लगेगा जो कंबशन में लगाता, फॉर्मूला वही लगेगा जो कंबशन में लगाता, एक्स इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस वाई
इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या ये सेम फॉर्मूला था जो कंबशन में भी लगाया था हमने? यस सर, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा मैंने क्या बोला है आपको कि जो भी कंपाउंड होगा बॉन्ड एनर्जी का जब भी फॉर्मूला लगेगा कंपाउंड गैसियस फॉर्म में होगा, सॉलिड या लिक्विड में नहीं। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं कुछ बॉन्ड एनर्जी के। जैसे ये देखिए 1CH4 गैस, 1 मोल गैसियस कंपाउंड है, इसको तोड़ के गैसियस ही प्रोडक्ट बनेंगे, गैसियस ही प्रोडक्ट बनेंगे। इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा एच आएगा, क्या मैं उसे ऐसा बोल सकता हूं? CH4 गैस देख लेना क्या ऐसा ही होता है? यस सर, यहां पर इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ये भी बॉन्ड एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन, ये भी तो क्या होगी, डेल्टा एच क्या होगा, दैट इज 4 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बॉन्ड्स तोड़नी पड़ रही है। यहां पर एक ही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड तोड़नी पड़ रही थी, यहां पर एक ही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड तोड़नी पड़ रही थी। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच था वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल था, ये जो था बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन के बराबर था, और ये क्या आया, दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन का 4 times, क्योंकि यहां पर 4 बॉन्ड्स तोड़नी पड़ रही हैं। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। एक क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, इफ AB, A2 एंड B2 सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसमें भी 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम, इसमें भी 2 एटम है, बॉन्ड एंथैल्पी वही बॉन्ड एनर्जी जो है वो दे रखी है A2 की, AB की और B2 की 2:2:1, यानी कि अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी 2x है, ये भी 2x है, तो ये x है। ठीक है, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन AB का दे रखा है फ्रॉम A2 एंड B2, इतना दे रखा है, आपसे बॉन्ड एनर्जी A2 की पूछी हुई है, कोई बात नहीं, हमें दे क्या रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या AB का दे रखा है, यस, आज ही पढ़ा था, 1 मोल बनेगा किससे, बनेगा अपने एलिमेंट से एलिमेंट्री स्टेट में, A2 और B2 से बनेगा। क्या इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है, यस सर, कितना दे रखा है, -100 kJ। अगर मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, जस्ट पिछले पेज पे क्या मैं ये वाला फॉर्मूला सीखा है हमने, यस, तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल लिख सकते हो। सबसे पहले स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का हाफ, पर इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, A2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, दैट इज 2, तो 2x लिख रहा हूं, प्लस स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ, बॉन्ड एनर्जी कितनी है, B2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, दैट इज 1, यानी कि x लिख रहा हूं, अगर इसको 2x माना है, x माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट 1 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB की बॉन्ड एनर्जी फिर भाई 2x। क्या इस रिएक्शन का डेल्टा एच इसी के बराबर है, क्या इसी रिएक्शन का डेल्टा एच इसके बराबर भी है, यस, तो क्या आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यस सर, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स बाई 2 हो जाएगा, 3/2x हो गया, 3/2x में से 2x माइनस कर दो तो -0.5x आ जाएगा, दैट इज -100, ये कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स आ गया, दैट इज 200, यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर मोल। हमें फाइंड आउट क्या करना था, बॉन्ड एनर्जी A2 की, A2 मतलब 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो x आया 200, हमें 2x की फाइंड आउट करनी है, अगर 2x की फाइंड आउट करनी है तो 400 होगा, अगर x 200 है तो 2x कितना होगा, 400। अभी और भी इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, जैसे ये देखिए, फिर दोबारा देखिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NF3 दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, आपको बॉन्ड एनर्जी NF की इतनी दे रखी है, N2 और F2 की बतानी है, बॉन्ड एनर्जी N2 की भी निकालनी है, F2 की भी निकालनी है, अगर उनकी रेशो 6:1 है, यानी कि अगर ये 6x है, ये x है, आपको दोनों की वैल्यू बतानी है, कोई बात नहीं। क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आज ही सिखाया था, 1 मोल कंपाउंड बनेगा अपने एलिमेंट से एलिमेंट्री स्टेट में, इसका एलिमेंट नाइट्रोजन है और फ्लोरीन, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है, यस सर। क्या वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह लो, एक ही बात है यहां पर, हां सर इतना। क्या इसी रिएक्शन का डेल्टा एच मैं बॉन्ड एनर्जी के टर्म में बता सकता हूं, बॉन्ड एनर्जी के टर्म में, हां सर बता सकते हैं। सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसकी बॉन्ड एनर्जी 6s, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट
इसकी बॉन्ड एनर्जी एक्स, ये आ गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्या आपको पता है यहां पर तीन नाइट्रोजन फ्लोरीन की बॉन्ड्स हैं, तीन नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्ड्स हैं, तो क्या मैं यहां पर ये लिखूंगा वन इंटू थ्री, थ्री क्यों लिख रहे हो, अरे बेटा तीन नाइट्रोजन फ्लोरीन की बॉन्ड्स है ना, हाँ सर, और वो दे रखी है नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्ड 273.5, यहां पर रख देता हूं 273.5, बस आपको 6x निकालना है और x निकालना है, पहले ये डेल्टा आएगा किसके बराबर, माइनस 113 के बराबर, चलिए सॉल्व करें, ये हो गया 3x और ये 3/2x, ये हो गया 3x और 3/2x, 3x और 1.5x कितना हो जाएगा 4.5x, इसको उधर ले जाऊंगा, ठीक है, ये है कितना जो उधर लेके जाओगे, बिल्कुल पहले 275 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 275 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कितना आ गया 825 में से 1.5 माइनस कर देता हूँ, करना जरा 825 में से 8 to 3.5 उधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 8 to 3.5, ठीक है सर, सॉल्व करोगे कितना आएगा ये, अगर ये 113 होता है तो आता 710, अब आएगा 710.5, 4.5x इसके बराबर है, तो x किसके बराबर होगा, 7105, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा नीचे 45, ये आ गया 9 पे, 5 के टेबल में ये आ जाएगा 1 और 2 1 4 फिर 2 और 1 1421 डिवाइडेड बाय 9 कितनी वैल्यू आ जाएगी यार 1525 71 कितना आ गया 9 8 9 7 something 157 क्या, अगर x 157 के आसपास है तो ये कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 157 के आसपास है, हाँ ये रहा 157 है ना, पहले 6x बताना फिर, और ये रहा, तो ये रहा आंसर भाई, है ना, x आ गया 157.22, वहां सॉल्व कर लेना वही आएगा, यहां पर लिख ही देता हूं चलो, ठीक है, और ये 6x कितना आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पक्का यही आएगा, हाँ यही आएगा, क्योंकि 157 के आसपास कोई आंसर है ही नहीं, और कोई यही आंसर है, अब सुनिए आगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डिफरेंस पता चलेगा बॉन्ड एनर्जीज के बारे में और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में, यही इस चैप्टर की आगे जो है वो एक बेस अच्छा बना रहा है, क्या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, पहले देखिए बॉन्ड एनर्जी क्या था, जो भी 1 मोल दे रखा था वो गैसियस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था, और उसको आप आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक, उसके लिए जो एनर्जी लग रही थी वो बॉन्ड एनर्जी थी, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या है 1 मोल, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम में, जो एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कन्वर्ट करेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम में, सर एग्जांपल देंगे पहले पढ़ भी लीजिए, वही लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ, या वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, उसको कन्वर्ट करेंगे हम आइसोलेटेड गैसियस एटम में, जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगा, जैसे ये देखिए क्या ये गैस है, यस, इसको हमने बॉन्ड तोड़ दी H और H के बीच में जो थी, जो एंथैल्पी चेंज आया वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2 गैस, अरे सर यही बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन भी था, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, यही बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन भी था, 1 मोल ऑफ गैसियस कंपाउंड को आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट किया, सर एक और एग्जांपल, बिल्कुल क्या मैं ये लिख सकता हूं 1O2 गैस से 2 ऑक्सीजन के गैसियस एटम्स बन रहे हैं, दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड थी वो टूट गई है, एक O अलग हो गया, दूसरा O अलग हो गया, जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस कहलाएगा, क्या वही बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन भी था, यस सर, बट अब देखो जरा अगला एग्जाम्पल जिसको समझेंगे तो चीजें और ज्यादा आपको क्लियर होंगी, वो ये है, मान लीजिए 1Br2 गैस, सॉरी 1Br2 लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम 2Br गैस में, चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो, उसके 1 मोल को आइसोलेटेड गैसेस एटम में कन्वर्ट करेंगे
तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा क्या वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगा ब्रोमीन का? यस yes. ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 के इक्वल नहीं है, नहीं है, नहीं है. क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी में इधर भी गैस होना चाहिए था, इधर भी गैस होना चाहिए था. यहां पर इधर लिक्विड है और इधर क्या है? गैस. तो बताइए इस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का क्या रिलेशन होगा बॉन्ड एनर्जी से? नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं, दोबारा लिखूंगा इस लाइन को क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए. तो नेक्स्ट पेज पे आ गया हूं. क्या ये सॉरी गलत लिख दिया, अब ठीक है. क्या यही एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन थी? यस. और ये तो पता चल गया कि ये बॉन्ड एनर्जी के इक्वल नहीं है, मान गए. मैं इसको आगे बताने से पहले एक लाइन यहां पे साइड में लिख भी देता हूं और आप उसको MIT में भी डाल देता हूं ताकि आपको हमेशा ख्याल रहे. वो लाइन क्या है? जब भी बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लाइन बताई हुई है, अभी 4-5 बार बता भी चुका हूं, बट फिर भी एक बार थोड़ा लिखी जाती है ना, थोड़ा चीजें और स्ट्रांग हो जाती है बच्चों के लिए, तो आपके लिए लिख भी देते हैं. 4-5 बार बोल दी है लाइन मैंने, अभी बोली है फिर भी. जब भी बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे कि एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वो तभी लगाएंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस में होंगे. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस में होंगे, ये तो 4-5 बार बता चुके हो. हाँ मैं जानता हूं, बट फिर भी लिख लो. और फिर इसको अप्लाई कैसे करेंगे बता रहा हूं. बॉन्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला टू फाइंड डेल्टा एच is applied only when both reactant and product are in gaseous form. मैं तो पता ही था सर. हाँ मैं जानता हूं, बट अब देखो इससे कमाल की एक चीज आपको सीखने को मिलेगी, वो ये रही. MIT में लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में. ये देखिए, मुझे Br2 लिक्विड से Br2 गैस और 2Br गैस बनाना है, ठीक है. क्या सबसे पहले मैं इसका इवेपोरेशन कर लूं? हाँ सर कर लो. यहां पर जो एंथैल्पी चेंज आएगा क्या मैं उसे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोल सकता हूं Br2 लिक्विड का? हाँ बोल सकते हैं. सर आपने ये किया, समझ गए. मेरा क्वेश्चन ये है सर, सर आपने क्यों किया ये? क्यों? वाई आपने Br2 लिक्विड को Br2 गैस में क्यों कन्वर्ट किया? किया ठीक है, लिक्विड से गैस में जाएगा, एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी वेपोराइजेशन कहलाएगा, बट क्यों किया सर? क्यों? क्यों का आंसर रीजन बताइए. मैंने अभी अभी उसका रीजन यहां पर लिखा है कि अगर मुझे बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है तो मेरा रिएक्टेंट और मेरा प्रोडक्ट किसमें होना चाहिए? गैसियस फॉर्म में होना चाहिए. अब मैं सीधा इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा. अब जो एंथैल्पी चेंज आएगा क्या वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 गैस के बराबर होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि रिएक्टेंट भी गैस में है और प्रोडक्ट भी गैस में. क्या अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज इक्वल टू, पहला स्टेप क्या था? पहले यहां से यहां जाने के लिए मैं पहले ये गया फिर ये गया, दैट इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2. तो डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ Br2 लिक्विड, डेल्टा H1 क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ Br2 लिक्विड, एक मोल का ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी एक, ये भी एक है तो एक से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस डेल्टा H2 क्या है? दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 गैस. सर ये भी एक मोल का, हाँ तो यहां पर 1 से मल्टीप्लाई, 2 होता तो बेटा 2 कर देता, यहां पर 5 होता तो बेटा 5 करते, उसमें कौन सी बड़ी बात है सर, वो तो कोई बताने वाली बात थी. तो मेरे ख्याल से देख रहे हैं आपको क्या कैसे करना है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के लिए, वो आपको पता चल रहा है. ऐसा करते हैं, ये जो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है इसको किसी और एग्जाम्पल से भी कराते हैं. यहां पर तो सिंपल Br2 वाला का एटोमाइजेशन से रिलेशन था, ये देखो किसी केमिकल इक्वेशन में करते हैं. क्या करें? इथेन का कंबशन करा देते हैं. करा दो सर. इथेन होती है
गैस, ऑक्सीजन भी होती है गैस, यहां से CO2 बनेगा, दो CO2, H2O बनेंगे तीन, ठीक है, ये चार हो गया और ये तीन सात हो गया, सात का मतलब है यहां पर 7/2 आ जाएगा, ठीक है। हमें इस रिएक्शन का डेल्टा H फाइंड आउट करना है, जिसे आप बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। सब बच्चों को सब नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं इसे बॉन्ड एनर्जी से रिलेट करना चाहता हूं, अगर मैं इसे बॉन्ड एनर्जी से रिलेट करना चाहता हूं, तो क्या आपको पता है, सबसे पहले मुझे इसका जब कंबशन करेंगे डेल्टा एच वन आएगा, उसमें रिएक्टेंट भी गैस में होंगे और प्रोडक्ट भी गैस में होंगे। यानी कि सबसे पहले तो मैं इसे ये बनाऊंगा, टू सीओ टू गैस साथ में थ्री एच टू ओ गैस। समझ आ गया मैं सबसे पहले ये क्यों कर रहा हूं, ये क्या किया है वो मैं आपको बता दिया, बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, क्यों किया है वो बता दिया, बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखना चाहता हूं, मतलब दोनों लाइनें सेम हो गई। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर मैं इस रिएक्शन के डेल्टा एच को बॉन्ड एनर्जी से रिलेट करना चाहता हूं, तो मेरा रिएक्टेंट भी उसमें होना चाहिए गैस में, प्रोडक्ट भी गैस में होना चाहिए। रिएक्टेंट तो ऑलरेडी मेरे दोनों गैस में है, बट मेरा प्रोडक्ट एक गैस में नहीं है। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को किसमें कन्वर्ट किया, गैस में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके लिए कुछ डेल्टा एच आएगा, आएगा, उसे मैंने डेल्टा एच वन बोल दिया। क्या मैं उसे बॉन्ड एनर्जी से रिलेट कर सकता हूं डेल्टा एच वन को? बिल्कुल, क्योंकि रिएक्टेंट भी गैस में, प्रोडक्ट भी गैस में। अब देखिए, मुझे इस प्रोडक्ट से यह प्रोडक्ट बनाना है। सर आपको 2CO2 यहां पर भी गैस है, 2CO2 यहां पर भी गैस है, यानी कि गैस को तो कुछ करना ही नहीं आपको, ठीक। क्या करना है, यहां पर गैस, सॉरी वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में है, आपको उसको लिक्विड फॉर्म में करना है, यानी कि आपको उसे वाटर को क्या करना है, कंडेंस करना है। क्या करना है, कंडेंस करना है, इवेपोरेशन का उल्टा, इवेपोरेशन का उल्टा। अरे इवेपोरेशन में क्या होता था, लिक्विड गैस में जाती थी, यहां पर आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो इवेपोरेशन का उल्टा। कितने मोल्स के लिए, तीन मोल्स के लिए। कैसे लिख सकता हूं, थ्री इंटू एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन का उल्टा। उल्टा समझ गए, ये साइन आ गया माइनस का। अरे साइन समझ गए ना यार, अगर लिक्विड से गैस जाता है तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, गैस से लिक्विड आता है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो अगर आप इवेपोरेशन के टर्म में लिखना चाहते हो तो यहां पर माइनस लिख दूंगा, नहीं कंडेंसेशन लिखो सर, गैस से लिक्विड लिखो, यहां पर प्लस आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लो खत्म। इसे बोलूंगा मैं डेल्टा एच टू, यहां से यहां जाने का एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। क्या मैं डेल्टा एच ऐसे बोल सकता हूं, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू? बिल्कुल बोल सकते हैं सर आप। क्या डेल्टा एच वन को बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिखा जा सकता है? आंसर हाँ है, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट गैस में है, प्रोडक्ट भी गैस में है। लिख सकते हो, यस। देखना जरा सी टू एच सिक्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितनी है, एक। तो पहले बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की, एक कार्बन कार्बन की, छह कार्बन हाइड्रोजन की है, एक दो तीन चार पांच छह, सिक्स इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। क्या O2 की है, हाँ है, कितनी, 7/2, 7/2। एक O2 के अंदर एक ही होती है, बताइए, डबल बॉन्ड वाली, वो डबल बॉन्ड हो, ये रिएक्टेंट वाली लिख ली सारी। सर रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करना, आप बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करो। एक CO2 के अंदर दो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स होती हैं, एक CO2 के अंदर दो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होती है, यहां पर दो CO2 है तो चार होगी, तो यहां पर लिखूंगा 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट एक H2O के अंदर, एक H2O के अंदर, एक H2O के अंदर दो OH बॉन्ड होती हैं, तो तीन H2O के अंदर सर छह होंगी, प्लस डेल्टा एच वन कंप्लीट हो गया। हां यहां से यहां जाने के लिए कितना लगा, दैट इज 3 इंटू डेल्टा एच कंडेंसेशन आना सर यहां पर, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ वाटर। अगर इवेपोरेशन लिखना था इवेपोरेशन लगा देते, साइन आगे माइनस का जाता, 3 इंटू डेल्टा एच कंडेंसेशन ऑफ एच टू ओ। तो टोटल डेल्टा एच आ जाएगा, ये सारी चीजें पता होंगी तो डेल्टा एच निकल आएगा। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, आज यूज करेंगे भी, ये तो सारे खाली पेज हैं, आज यूज करेंगे भी।
थोड़ी देर में बस, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये एंथैल्पी चेंज क्या है, जब भी कोई किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, चाहे HCl, HNO3, H2SO4, डजंट मैटर, बट होना कितना चाहिए अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, ठीक है, कोई भी हो, चाहे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, डजंट मैटर, ठीक है, जब ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जो एंथैल्पी निकलेगी, पता ही है सॉल्ट और वाटर बनता है, जो एंथैल्पी निकलेगी उसे क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है जी, ठीक है सर। सर एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल। वैसे तो आपने मोल कॉन्सेप्ट में ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले सारे पढ़े होंगे, बट फिर भी मैं एक बार बता दूं, क्योंकि अभी करूंगा तो आप पूछेंगे कौन कौन से हैं। एक होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, एक होता है वॉल्यूम अगर लीटर में है इंटू नॉर्मैलिटी, एक होता है वॉल्यूम इन लीटर इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और एक होता है मोल्स इंटू एन फैक्टर। मैंने ऐसे याद किया हुआ है, वी इन वैन विद वूमैन एंड मैन, वूमेन की स्पेलिंग गलत है मैं जानता हूं, वी से लिखा हुआ है, डब्ल्यू से होता है, बट समझने के लिए वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ राइट नाउ, जो करना है, ठीक है, ध्यान से सुनिए सब चीज। जैसे एक HCl है, एक NaOH के साथ मिल रहा है, एक NaCl बनेगा और एक H2O बनेगा। ये जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये फिक्स्ड होती है, -57.1 भी लिखा हुआ है कई बुक्स में, -57.3 भी लिखा हुआ है कई बुक्स में, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। 1 किलो जूल होगी 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। वापिस आ रहे हैं, अगर मान लो इस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा जाए, है तो वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बट कितना कितना और देखिए जरा, क्या इनको मोल्स बोलते हैं, यस मोल्स, ठीक है, क्या इसके मोल्स 1 है, यस। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल 1 दे रखा है, HCl का एन फैक्टर 1 होता है, यहां पर भी मोल्स कितने दे रखे हैं, 1, एन फैक्टर बेस का कितने OH नेगेटिव आयन देता है, 1, तो यहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड का है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस का है, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी आएगी, -57.1 किलो। सर मान लो यहां पर HCl की जगह H2SO4 होता, HCl की जगह H2SO4 होता, तब क्या होता, तब इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज कितना होता, कितना होता, बिल्कुल ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल 1 दे रखा है, एन फैक्टर सर एसिड का एन फैक्टर होता है जितने एच पॉजिटिव आयन देता है, यानी कि 2 आएगा यहां पर, यहां पर चेक करें, ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स 2 है, एन फैक्टर बेस का इन्फेक्टर होता है जितने OH नेगेटिव आयन देता है, यस, तो इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ न्यूट्रलाइज होंगे, ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी निकलेगी सर, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ होता था तब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी निकलती थी, अगर ये भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, ये भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी का भी डबल हो जाएगा, यानी कि 2 × −57.1 किलो। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। एक और क्वेश्चन, वो ये सर मान लीजिए ये दोनों में से, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वैसे, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, बट मान लीजिए जब आप न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं दोनों कंपोनेंट में से कोई एक वीक एसिड हो या वीक बेस हो या दोनों ही, मतलब कि एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, तब क्या होगा। ठीक है, आपको पता है वीक एसिड हो या वीक बेस हो, उन वो कंप्लीटली वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, कंप्लीटली वाटर में डालने पर टूटते नहीं हैं, उनको तोड़ना पड़ता है, यानी कि उनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। सर वो एनर्जी कहां से आएगी,
वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से आएगी। कहां से आएगी? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से आएगी। मान लीजिए मैं करके भी दिखाता हूं, बट पहले एक थोड़ा थ्योरी में बोल लें। कोई वीक एसिड है, आपने उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइज किया, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइज किया, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आनी चाहिए थी 57.1, साइन को अभी मैं साइड में रख रहा हूं, मॉड ले लिया, आई है 55, आई है 55, आनी चाहिए थी 57.1, आई है 55। कितनी कम आई है सर? 57.1 आनी चाहिए थी, 55 आई है, 2.1 कम है, 2.1 किलो जूल कम है। सर वो 2.1 किलो जूल कहां गई? वही तो उस वीक एसिड को तोड़ने के काम आई है, वही उसी ने उस वीक एसिड को तोड़ा है, ठीक है। तो इफ एनी कॉम्पोनेंट, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, और बेस इज वीक, देन अगर कोई भी कंपोनेंट चाहे एसिड हो, देन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मॉड लिख रहा हूं ताकि आपको साइन से प्रॉब्लम ना हो, वो लेस देन 57.1 किलो जूल आएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन सर अभी आपने करा दिया वर्बली, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बट एक बार लिखा होगा, एंड दैट हीट इज यूज्ड इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक कंपोनेंट, जितनी कम आई है ना, उसके आयोनाइजेशन में यूज हुई है। सर क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवाएंगे तो ज्यादा पता चलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बट नेक्स्ट पेज पे लिखवाऊंगा। मान लीजिए CH3COH जो कि एक वीक एसिड होता है, NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, CH3CONa बनेगा, साथ में H2O निकलेगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आया 55.1, मॉड में लिखा हुआ, ठीक है। बताइए क्वेश्चन ये है, फाइंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ CH3COOH। क्या आनी कितनी चाहिए थी सर? 57.1। आई कितनी है? 55.1। कितनी कम आई है सर? 2 किलो जूल कम आई है, ठीक। वो कहां यूज हुई होगी? वो इस वीक कंपोनेंट को तोड़ने में काम आई होगी, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ CH3COH, मॉड में लिख रहा हूं, 57.1 माइनस 55.1 मॉड में 2 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है सर। ये भी बात समझ आ गई। एक लास्ट लाइन इसके लिए, फिर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी खत्म हो जाएगा, वो ये कि अगर एसिड HF हुआ, एसिड HF हुआ सर, तब क्या हो जाएगा? तब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.1 किलो जूल से भी ज्यादा आएगी, 57.1 किलो जूल से भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी सर। क्यों आएगी ज्यादा? क्यों? क्योंकि एक तो एंथैल्पी निकलेगी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से, सर वो तो निकल ही रही है, दूसरा एफ नेगेटिव उसका साइज बहुत छोटा होता है, उसकी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है, कुछ हीट वहां से निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है MIT में, इन केस ऑफ HF विद NaOH, या स्ट्रॉन्ग बेस भी कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मॉड में लिख रहा हूं ग्रेटर देन 57.1 किलो जूल, उससे ज्यादा आएगी, ठीक है, ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आए। सर ये कुछ तो आपको पता ही, एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन से निकलनी है, वो तो 57.1 है, बट उससे ज्यादा आ रही है। ज्यादा कहां से आ रही है? F नेगेटिव आयन का हाइड्रेशन हो गया। सर हाइड्रेशन क्या होता है? ये F नेगेटिव आयन के साथ बहुत सारे
वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। इनके बारे में आप डिटेल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा या पढ़ेंगे भी आप, जब उम्मीद में भी पढ़ाया जाएगा। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी। डिक्रीज का मतलब वही है, रिलीज होना। सर एक क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, पढ़िए। इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, एक बार आपने एक मोलर मोलारिटी दे रखी है HCl और दूसरी बार आपने एक मोलर सल्फ्यूरिक एसिड लिया। अच्छा, एक बार आपने HCl लिया है वन मोलर और वॉल्यूम सेम है तो इसकी 1V लिख लेता हूं, दूसरी बार आपने वन मोलर और वॉल्यूम सेम है तो 1V की जगह 1 लीटर कर लूं, ये भी 1 लीटर कर लो। चलो, आर न्यूट्रलाइज कंप्लीटली बाय NaOH। अच्छा, ये भी NaOH द्वारा न्यूट्रलाइज किया गया, ये भी NaOH द्वारा न्यूट्रलाइज किया गया। यहां पर न्यूट्रलाइज करने पर एक्स एंड वाई किलो कैलोरी ऑफ हीट इज रिलेटेड। अच्छा, यहां पर एक्स किलो कैलोरी हीट निकली है, यहां पर वाई किलो कैलोरी हीट निकली है। लिबरेटेड का मतलब पॉजिटिव में लिखूंगा, अगर डेल्टा एच लिखना होता तो माइनस एक्स लिखता, डेल्टा एच लिखना होता माइनस एक्स, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एक्स वाई इक्वल है, एक्स टू वाई, फोर एक्स वाई, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी बताया था। ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लूंगा, यहां पर NaOH NaOH दोनों एक्सेस में होंगे, उसको तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट, क्या ग्राम इक्विवेलेंट का ये भी फॉर्मूला था, अभी अभी बताया था, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ये लिखा है, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। यस, यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी, इसका एन फैक्टर कितना होता है 1, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए 1, यानी कि यहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो रहा है। यहां पर कितने ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, वॉल्यूम मोलारिटी, एन फैक्टर कितना होता है इसका 2, क्योंकि ये 2H पॉजिटिव आयन देता है। यहां पर 2 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, यहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो रहा है, ऑब्वियसली यहां पर जो हीट निकलेगी वो इससे डबल होगी, इससे डबल होगी। अभी जस्ट पीछे एग्जांपल किया भी है, यानी कि वाई किसके बराबर होगा, 2x के इक्वल होगा, y किसके बराबर होगा, 2x के इक्वल होगा, y इज इक्वल टू 2x, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से फिर बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, कंडीशन आइडेंटिकल है, कितने मिलीलीटर लगेंगे KOH के और 2 मोलर H2SO4 है। अच्छा, आर पहली बात तो मैं लिख लूं सब कुछ, KOH 1 मोलर है, H2SO4 2 मोलर है, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, दोनों की क्या वॉल्यूम लगेगी, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए रिजल्टिंग वॉल्यूम ऑफ 100 ml विद द हाईएस्ट राइजिंग टेम्परेचर। अच्छा, इसकी कितनी वॉल्यूम ले, इसकी कितनी वॉल्यूम ले, दोनों की वॉल्यूम मिला के 100 ml होनी चाहिए विद द हाईएस्ट राइज इन टेम्परेचर, मतलब मैक्सिमम ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होने चाहिए, मैक्सिमम ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होने चाहिए। मान लेते हैं इसकी वॉल्यूम V1 रख लेते हैं, इसकी वॉल्यूम V2 रख लेते हैं, जिसमें V1 प्लस V2 100 है, ठीक है। मैक्सिमम हाईएस्ट राइज इन टेम्परेचर का मतलब है दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए। चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, जिसे आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, उसमें टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अभी बताया, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, V1 इंटू 1, एन फैक्टर 1, इसकी वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, एन फैक्टर 2। तो बता दीजिए V2 रेशो V1 क्या 1/4 है, यस, या ऐसे भी लिख सकता हूं V1 इज इक्वल टू 4V2, हां सर लिख सकते हो। तो अब हां सही लिखा है, V2/V1 इज 1/4, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू 4V2, इसका मतलब जो ये वाली वॉल्यूम होगी, किसकी वॉल्यूम, ये 4 गुना ज्यादा होनी चाहिए इससे, 4 गुना ज्यादा होनी चाहिए इससे। KOH की वॉल्यूम पहले लिखनी है, किसकी लिखनी है, हाँ पहले KOH की लिखनी है, फिर H2SO4 की लिखनी है, तो KOH की 4 गुना होनी चाहिए, क्या यही होगा,
है ना, ये H2SO4 की वॉल्यूम हो जाएगी, ये QH की वॉल्यूम हो जाएगी, तभी तो ये चार गुना होंगी इससे। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आगे बताइए। ये टॉपिक करेंगे हेसेस लॉ, फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो आज हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, चलिए हेसेस लॉ। हेसेस लॉ क्या कहता है? कोई भी रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप्स में हो, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स सेम है तो चेंज इन एंथैल्पी भी सेम होगा। क्या बोला? कोई भी रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो और वही रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप्स में हो, टोटल एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। अरे सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आज आप पढ़ा चुके हैं। रुकना जरा, पहले जैसे ए से डी बनाया, इस रिएक्शन का डेल्टा एच आया, चलो ठीक है। यही रिएक्शन मुझे करनी है, ए से डी ही बनाना है दोबारा, बट पहले मैंने ए से बी बनाया, फिर बी से सी बनाया, फिर सी से डी बनाया, इसका डेल्टा एच वन आया, इसका डेल्टा एच टू आया, इसका डेल्टा एच थ्री आया। पहले ए से बी बनाया, फिर बी से सी बनाया, फिर सी से डी बनाया, और तीनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करूंगा, तीनों के रिएक्टेंट ऐड हो जाएंगे, हो गए, तीनों के प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे, हो गए, बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, क्या ए से डी बन गया? यस। जैसे ही मैंने तीनों के रिएक्शन को ऐड किया है, इनके डेल्टा एच भी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री। क्या टोटल एंथैल्पी चेंज जो इसमें आएगा और जो इसमें आएगा वो सेम होगा? यही कहता है, दैट इज हेस लॉ। ठीक है, इसको मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं, मुझे याद आया अभी, सिर्फ 15-20 मिनट पहले बताया होगा, तो खाली पेज है ये रहा। हमें यहां से यहां जाना था, इस रिएक्शन का डेल्टा एच आया था, डेल्टा एच, ठीक है, पहले मैं यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, ठीक है, तो टोटल एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू था। हाँ सर, ये तो पढ़ा चुके हो आप, हाँ, तो बस नाम बताना था, नाम बता दिया। छोटी छोटी एक दो चीजें और बता दूं हेसेस लॉ के बारे में, ताकि हम न्यूमेरिकल करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। पहली बात, ये भी बता दिया पिछले पेज पे, बट फिर भी लिखवा रहा हूं आपको, अगर रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो, कोई दो रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो, तो उनके डेल्टा एच भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, अगर रिएक्शंस ऐड होंगी तो उनके डेल्टा एच भी ऐड हो जाएंगे। सर ये तो पिछले पेज पे प्रूफ किया, ठीक है, अगर रिएक्शन सब्ट्रैक्ट, सर व्हाट डू यू मीन बाय सब्ट्रैक्ट, अरे रिवर्स कर दिया सर, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स, रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट लिख दिया, प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट लिख दिया, तब डेल्टा एच पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो जरा, ए से बी, सी से ई, मैंने जो रिएक्शन बनाई है वो देखना क्या किया, ए से सी और ई और बी, सर ये क्या कर दिया है? देखना जरा, देखना, इसे डेल्टा एच वन मान लिया, इसे डेल्टा एच टू। क्या फर्स्ट रिएक्शन को मैंने एज इट इज लिखा? बिल्कुल सर, इसमें रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बी है, रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बी है, बट मैंने सेकेंड रिएक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी कि रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में था वो रिएक्टेंट में कर दिया, जो रिएक्टेंट में था वो प्रोडक्ट में कर दिया। तो बताइए सर, इस रिएक्शन के डेल्टा एच पे क्या फर्क पड़ेगा? फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज लिखा है, तो उसका डेल्टा एच भी एज इट इज लिख दिया। सेकेंड रिएक्शन को मैंने क्या किया है? रिवर्स कर दिया, तो उसका डेल्टा एच भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि माइनस डेल्टा एच टू हो जाएगा। ठीक, फिर इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों को रिएक्शन को मैंने ऐड किया है, सो डेल्टा एच वन माइनस डेल्टा एच टू। सर आपने बोला ऐड करेंगे, माइनस का साइन कैसे आ गया? अरे यहां पर प्लस लगाना था, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक, थर्ड पॉइंट, जो चेंज आप नंबर ऑफ मोल्स में करेंगे, सेम चेंज इज रिफ्लेक्टेड इन डेल्टा एच, इन डेल्टा एच, यानी कि अगर आपने किसी रिएक्शन के सोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट डबल कर दिए, ये वन था, मान लो इसे 2a और 2b कर दिया, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच, इस रिएक्शन का डेल्टा एच ऊपर वाले से डबल होगा। सर अगर
मैंने किसी रिएक्शन के, कोई और रिएक्शन है मान लीजिए सी गिव्स यू 3D, अगर मैंने किसी और रिएक्शन के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके डेल्टा एच को डेल्टा एच डैश मान रहा हूं, हाफ कर दिया, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच ऊपर वाले से हाफ हो जाए, डेल्टा एच डैश बाय 2। ठीक है सर, ये सारे लॉ समझ आ गए हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर करते, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। दो रिएक्शंस दे रखी हैं और आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO पूछा हुआ है। ठीक, पहले जरा रिएक्शन को समझिए। ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO2 दे रखी है, नहीं नहीं सर, एंथैल्पी नहीं दे रखी, हीट ऑफ कंबशन दे रखी है। हीट देख रहे हो ना सर, वो डेल्टा एच का साइन नहीं लगा हुआ, हीट निकल रही है, आज बोला ही था, तो फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिख लो। हाँ लिख लेते हैं सर, क्या लिखो, माइनस एक्स सर, माइनस, आज आपने पढ़ाया था ना, अगर डेल्टा एच नेगेटिव में होगा हीट पॉजिटिव में लिखी जाती है, मतलब दोनों का सेम होता है। सिमिलरली ये भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखी है, नहीं सर एंथैल्पी मत बोलो, हीट बोलो, हीट, ये देख रहे हो ना प्लस में साइन दे रखा है। अच्छा तो कंबशन में अगर लिखूंगा तो माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी माइनस वाई आ जाएगा क्योंकि प्लस वाई था। ठीक, आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO पूछा गया, पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO निकाल लेता हूं, फिर हीट के लिए पता ही है साइन चेंज करना उसका। क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का आज ही आपने यही मतलब पढ़ा था, एक मोल कंपाउंड बनेगा अपने एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट से, ये ग्रेफाइट ही है। ठीक है सर, अब जरा ध्यान से सुनो और समझो, क्या ये पता चल गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है? यस, एंथैल्पी ऑफ कंबशन जब भी गिवन होती थी, आज ही लिखवाया फॉर्मूला, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगता था, यानी कि डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्या रिएक्टेंट में कार्बन है, यस, क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इतनी दे रखी है, यस, तो माइनस एक्स लिख दो, लिख दिया। बट सर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन भी तो है, उसका भी तो कंबशन लिखो, अरे भाई ये तो 7th-8th से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन का कंबशन नहीं होता, ऑक्सीजन कंबशन में हेल्प करता है, इट इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट में जो दूसरा ऑक्सीजन है उसकी जगह 0 लिखना है, 0.5 × 0 लिखना है, अरे बात एक ही है यार, 0 लिखो या 0.5 × 0 लिखो, माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है यहां पर, CO, क्या उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दे रखा है, हाँ सर दे रखा है, कितना, -1। ठीक, तो लग दो उसकी वैल्यू -1, तो आंसर क्या आ जाएगा यार, सर आंसर आ गया, ये तो कंबशन आ रहा है, फॉर्मेशन आ रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कितना आ रहा है, ये प्लस वाई हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा। बट आपसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थोड़ा पूछा है, हीट पूछा है, हीट, फिर भाई साइन ऑपोजिट कर दो, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO क्या हो जाएगा, सर आगे नेगेटिव का साइन लगा दीजिए, क्या जाएगा, और नेगेटिव का साइन लगाऊंगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्या एक्स माइनस वाई कोई ऑप्शन है, हाँ ये दैट इज किलो जूल पर मोल, क्योंकि सब कुछ किलो जूल में था, तो ये भी किलो जूल में होगा। अच्छा क्वेश्चन था सर, आज जो आपने फॉर्मूला बताया था उसी के ऊपर था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, याद रखना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 की गिवन है, CO की गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज भी दिया हुआ है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CaCO3 का पूछा। ठीक है, जब भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन होता था, फॉर्मूला क्या लगता था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, आज ही बताया, यहां पर लगा रहा हूं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है 42 kJ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में यहां पर 1, CO का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहां है, ये रहा -152, दूसरा
प्रोडक्ट 1 इंटू सीओ टू, 1 इंटू सीओ टू का कितना है, सीओ टू का कितना है माइनस 94। क्या आपसे कुछ फिर रिएक्टेंट का लिखना है, क्या जो लिखना है वही हमसे पूछा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। यस सर, यही तो रिएक्टेंट है, इसी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा। अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। फिर माइनस 152 और माइनस 94 कितने हो जाएंगे यार, ये सर ही हो जाएंगे माइनस 244, सही कह रहे हो ना। हाँ सर, इसको इधर ले आइए और उसको उधर ले जाइए, ठीक है। ये डेल्टा एच एफ सी ए सी ओ थ्री कितना हो जाएगा, ये कितना बताया था माइनस 246 आएगा सर, नहीं नहीं हाँ 6 आएगा, 244 नहीं 246 आएगा, सही कह रहे हैं 40, नहीं 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 एक बार करें क्या, हाँ तो 6 ही तो करना है, 246 आएगा, ठीक है। ये प्लस 42 था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 42 दैट इज माइनस 288 किलो जूल पर मोल। क्या ऐसी कोई ऑप्शन दे रखी है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है सर। और देखें, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या कहता है, बेंजीन बर्न्स इन ऑक्सीजन, ठीक है, बेंजीन का ऑक्सीजन के साथ बर्निंग हो रही है, कम्बशन हो रहा है, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक तो बेंजीन का गिवन है, H2O का गिवन है, CO2 का गिवन है, तीनों की वैल्यूज यहां पे दी हुई है, ठीक है। आपसे अमाउंट ऑफ हीट पूछी हुई है, पहले एंथैल्पी निकालूंगा फिर हीट में चेंज करने के लिए उसका साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है, बाय बर्निंग 780 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा, सबसे पहले तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, दैट इज मास बाय मोलर मास, कितना आएगा 78, 6 इंटू 12 प्लस 6, 10 मोल्स के लिए हीट पूछी हुई है, 10 मोल्स के लिए हीट पूछी हुई है, पहले 10 मोल के लिए एंथैल्पी निकाल लूंगा फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे निकलेगा, जो कि 1 मोल की एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्योंकि फॉर्मेशन गिवन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 3 इंटू H2O, H2O की वैल्यू माइनस 68.1 है, 6 इंटू CO2, CO2 तीसरे नंबर पे है, यानी कि 6 इंटू माइनस 94, और फिर रिएक्टेंट, क्या रिएक्टेंट में 1C6H6 है, यस 1 इंटू 11.7, पता ही है ऑक्सीजन के लिए वैल्यू ये जीरो होगी, क्यों, क्योंकि एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट है, ठीक है सर, सारे एलिमेंट की एलिमेंट्री स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है। इसको सॉल्व करते हैं, ये एंथैल्पी चेंज आएगा 1 मोल के लिए, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंथैल्पी चेंज आ जाएगा 10 मोल्स के लिए, फिर उसका साइन चेंज कर दूंगा, क्योंकि मुझे हीट पूछी हुई है तो साइन चेंज कर दूंगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर दूंगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। चलो वापस आ रहे हैं, क्या 68.1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, सर ये आएगा 204.3, यस नेगेटिव में लिख लेना, 6 को 94 से करिए, 96 कितना होता है 564 हो गया सर, और ये 11.7, ठीक है, तीनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, ये जीरो हो गया, ये कितना आ गया 8 और 9 और जीरो हो गया, ये 8 हो गया और ये 780 आ गया, ये 780 किलो कैलोरी आई है पर मोल। तो डेल्टा एच फॉर 10 मोल्स कितना हो जाएगा सर, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे उसे तो 7800 किलो कैलोरी हो जाएगा, बट समय डेल्टा इस थोड़ा पूछा है सर, हीट पूछा है हीट, तो बेटा साइन चेंज कर दो, कितना आ जाएगा प्लस 7800 किलो कैलोरी। क्या ऐसी कोई ऑप्शन है, पिछले पेज पे देखें, ये रहा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इथेन के लिए है, इथेन के लिए है X1 X2। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछी हुई है, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना तो पता होगा हाइड्रोजिनेशन क्या होता है सर, आज ही पढ़ाया आपने, इसका जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा, ठीक है सर, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछा, अरे यार साइन ऑपोजिट कर लूंगा पहले, ये तो फाइंड आउट कर लू, साइन अपने आप ऑपोजिट कर लूंगा, ठीक है सर। क्या गिवन है, इसका भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, इसका भी फॉर्मेशन गिवन है, जब भी फॉर्मेशन गिवन होता है फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आपको एक और चीज आसान कर देता हूं, बॉन्ड एनर्जी और कंबस्शन को छोड़ दो, बॉन्ड एनर्जी और कंबस्शन को छोड़ दो, बाकी सबका फॉर्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, बाकी सबका फॉर्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, कंबस्शन का भी फॉर्मूला क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट
बाकी सबका फॉर्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंटी होगा, ठीक है सर। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाना है। प्रोडक्ट है ये, इसका है ये एक्स टू माइनस रिएक्टेंट है सी टू एच फोर, उसकी वैल्यू एक्स वन, इसका जीरो आएगा, पता ही है एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट। सर ये तो एंथैल्पी चेंज आया ना, आपसे तो हीट पूछा हुआ है, हीट पूछा हुआ है, तो हीट के लिए साइन ऑपोजिट कर दूंगा, यानी कि इसके आगे माइनस लगा दूंगा। जैसे ही इसके आगे ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाऊंगा तो एक्स वन प्लस में हो जाएगा, एक्स टू माइनस में हो जाएगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ ले पहले तो। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिर वही अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट पूछा हुआ है, निकलेगी जब कंबशन करेंगे 8.5 ग्राम ऑफ C4H10। अच्छा 8.5 ग्राम कर लेते हैं यार, जल्दी से बताओ क्या यहां पर दो मोल्स दे रखे हैं? यस, दो मोल्स का डेल्टा एच दे रखा है, यस। क्या दो मोल्स का मतलब क्या होगा सर? मास कितना होगा? अरे सर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, इसका मोलर मास कितना होगा? 48 प्लस 10 58 को दो से मल्टीप्लाई करना 116। अच्छा 116 ग्राम ऑफ C4H10 से हीट कितनी निकल रही है? हीट डेल्टा एच नहीं पूछा सर, हीट लिखना है तो फिर पॉजिटिव का साइन लिख लेना, क्योंकि साइन ऑपोजिट कर दूंगा, माइनस होता तो प्लस कर दूंगा, प्लस होता तो माइनस कर देता, ठीक है। आपसे पूछा हुआ 8.5 ग्राम के लिए, मैंने सही लिखा है ना, 48 और 10 कितना होता है? 58, 58 को 2 से करोगे, ठीक है यार, ठीक है। तो 576 के लिए इतना है, तो इसके लिए कितना होगा? 8.5 के लिए, 8.5 के लिए पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन में शायद 5.8 है, शायद गलती हो गई है इनसे टाइप करते हुए, तो मैं 5.8 के लिए कर देता हूं। मान लो अगर क्वेश्चन में 8.5 आया तो 8.5 से कर लेना। सर आपने इतनी जल्दी दिमाग कैसे लगा लिया कि गलती हो गई, आपको कैसे पता? 116, 5.8, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 58 आएगा, और अगर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 116 आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको डिवाइड करके इसको 20 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा? इसको भी 20 से डिवाइड कर दो, कर दो 20 से डिवाइड, सर कितना होगा यार? 576 को 20 से अगर डिवाइड करेंगे, 10 से करता तो 57.6 आता, और कर दो उसका भी, करके देख ले, चलो करके देख ले, 576 by 116 into 5.8, पता नहीं 8.5 करना था कि नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मेरे लगने से वैसे कुछ होता नहीं है, ये 20 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेना, ठीक है सॉल्व कर लेना, वो तो मेरे ख्याल से अब आप कर सकते हो। 57.6 को 2 से डिवाइड किया, 57.6 को 2 से डिवाइड किया तो दैट इज 28.78 हो सकता है, 28.78। अगर 8.5 होगा तो 8.5 से कर लेना, कोई उसमें कोई कैलकुलेशन ही तो है यार, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सीखना है हमें, वो तो आता है हमें। क्वेश्चन बड़ी क्या दे रखा है? दो रिएक्शंस दे रखी है, पहले H2O लिक्विड से गैस में जा रहा है, डेल्टा एच इतना है, डेल्टा एच वन ऐसे लिख दिया गलती से, और फिर दूसरा ये है डेल्टा एच इतना दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच सेकेंड रिएक्शन का? अच्छा इसका डेल्टा एच क्या होगा अगर वाटर वेपर बनते लिक्विड वाटर की जगह? अच्छा अच्छा अच्छा, लिक्विड वाटर की जगह वाटर वेपर बनता, पहले हीट इतनी निकल रही थी, वाटर को लिक्विड से गैस में ले जाने के लिए क्या हीट लगेगी? यस, कितनी हीट लगेगी लिक्विड से गैस में ले जाने के लिए? इतनी लगेगी। बट सर ये तो एक मोल H2O के लिए है ना, यहां पर तो चार मोल H2 है, तो कितनी हीट लगेगी? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि जो एंथैल्पी ये निकलनी चाहिए थी उसमें से 4 × 44 कितना होता है? 176 कम हो जाएगी, 176 कम हो जाएगी, 1200 समथिंग आएगा, 1200 समथिंग गिरा, 1277 यही होगा ना, 13 में से जगह साथ, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस एनर्जी। सुना हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी हालत है ये सब क्या होता है हमको क्या पता, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, हम बैठे हैं बताने के लिए, बट एक बार समझ लीजिए लिखा क्या हुआ है। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? जब किसी भी वन मोल
ऑफ नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, उसी मॉलिक्यूल की नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को उसी मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाएगा, जो हीट इवॉल्व होगी उसे क्या बोलेंगे आप, रेजोनेंस एनर्जी। सुनिए सुनिए सुनिए, ये एक मोल उसी कंपाउंड का है, यानी कि कंपाउंड चेंज कर दिया सर आपने, ना भैया ना, अगर ये कार्बोनेट आयन है तो वो भी कार्बोनेटिंग आयन होगा। नॉन रेजो स्ट्रक्चर को वन मोल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चीजें दोनों सेम है, बार बार बोल रहा हूं, जो भी एनर्जी रिलीज होगी ये लिखा हुआ है, व्हेन वन मोल ऑफ नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज चेंज टू वन मोल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन एनर्जी चेंज इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, सर आपको कैसे पता रिलीज हो रही है, भाई लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहे हैं, रेजोनेंस जिनमें होती है वो कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जो ज्यादा स्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी कम है इसका मतलब ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहां पर क्या मैं यही लिखूंगा, डेल्टा एच नेगेटिव में आएगा यहां पे, ठीक है सर। अगर उल्टा होता कि वन मोल रेजो स्ट्रक्चर से आप नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चले जाते तब क्या होता, तब बेटा डेल्टा एच पॉजिटिव आता, उसमें कौन सी बड़ी बात है, रेजोनेंस एनर्जी की जो वैल्यू यहां पर नेगेटिव में थी, जो नेगेटिव में थी वो यहां पर पॉजिटिव में हो जाती है, अगर ये पॉजिटिव होती है नेगेटिव हो जाता है, वो तो बताने वाली बात है बस सारी सारी, ठीक है सर। एक और तरीका होता है रेजोनेंस एनर्जी को फाइंड आउट करने का, वो ये कि अगर जैसे मैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन से समझा देता हूं, ये साइक्लोहेक्सीन है, इसका अगर मैं हाइड्रोजिनेशन करूं साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए, जो एंथैल्पी चेंज आया मान लीजिए वो -X किलो जूल पर मोल आया, ठीक है। अगर एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए इतनी हीट इवॉल्व होगी, इतनी डेल्टा एच आएगा, तो बताओ अगर इसमें तीन होती यहां पर बॉन्ड्स तब कितनी हीट इवॉल्व होती सर, तब सर डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन जो आनी चाहिए, है ना, जो आनी चाहिए, आनी है चाहिए थी -3X होती। बट क्या आपको पता है बेंजीन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, यस, तो उसकी जो एनर्जी वाकई में जो आएगी, जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन आएगी, डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन जो आएगी वो आई -5। ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल नहीं होंगे। ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन इतनी आनी चाहिए थी, यहां पर आएगी या जो आई है, इस तरह से लिख देते हैं, जो आई है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। देखिएगा प्लीज, तो रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालेंगे, जो डेल्टा एच आनी चाहिए, माइनस जो डेल्टा एच आया है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, एक सेकंड का टाइम दीजिए, मैं पानी पी लेता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी के ऊपर पेज चल, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बेंजीन की ये आई है और उसकी रेजोनेंस एनर्जी इतनी दे रखी है, आपसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन साइक्लोहेक्सीन की पूछी हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, पहली बात तो ये बेंजीन है, हां सर ये बेंजीन है, इसकी हाइड्रोजिनेशन दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बेंजीन की, बेन
जीन की जो आई है वो कितनी है, -49.8 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और रेजोनेंस एनर्जी भी दे रखी है बेंजीन की, रेजोनेंस एनर्जी भी दे रखी है बेंजीन की। मैंने बोला था रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव में होती है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन यही है, नॉन रेजो से रेजो में जा रही है। कितनी, -36 किलो कैलोरी पर मोल। आपसे क्या पूछा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन साइक्लोहेक्सीन का, साइक्लोहेक्सीन का, अच्छा इसका ये वैल्यू पूछा हुआ है, साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजिनेशन का पूछा हुआ है, ठीक है, आपसे ये पूछा हुआ है। मान लेता हूं ये माइनस एक्स है, क्या अगर ये नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती क्या ये वाली वैल्यू -3x होती, बोलो यस और नो। यस सर, एक बॉन्ड को रिड्यूस कर रहे हैं -x, तो इसके लिए -3x होती। बताइए रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सर अभी जस्ट पिछले से पिछले पेज पे बताया है, जो आनी चाहिए माइनस जो आई है। तो लिखिए फिर, आनी कितनी चाहिए थी, इसकी हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू आनी कितनी चाहिए थी, सर -3x आनी चाहिए थी। आई कितनी है, आई कितनी है, आई कितनी है, ओरे -49.8 और रेजोनेंस एनर्जी भी दे रखी है, कितनी दे रखी है यार, 36 करके है कुछ मेरे ख्याल से, हाँ 36, -36 -3x +49.8 और ये उधर जाएगा तो 13.8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3x। तो x कितना हो जाएगा, हमें तो x निकालना था ना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ x, ये आ जाएगा कितना आ गया 4.6 किलो कैलोरी। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ सर 4.6 किलो कैलोरी। सर आप यहाँ पर साइन नेगेटिव में आ रहा है, अरे वो वही बताया था यार, रेजोनेंस एनर्जी का जो साइन होगा इसको आप पॉजिटिव में लेना है ना, उन्होंने उस हिसाब से किया होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से नॉन रेजो में कन्वर्ट किया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओए ओए ओए, पेज कहाँ चले गए, अरे पेज कहाँ चले गए, रुक जाओ भाई, कहाँ भाग गए तुम, वापिस चलते हैं, थोड़ा ये पेज हाथ लग गया था। चलिए 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 शुरू करते हैं नया टॉपिक हमारा, दैट इज बॉम्ब कैलोरी मीटर। सर ये बॉम्ब कैलोरी मीटर होता क्या है, आपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हीट एनर्जी चेंजेस इस चैप्टर में पढ़े हैं अभी तक, एक पढ़ा है डेल्टा यू, एक पढ़ा है डेल्टा एच। डेल्टा यू क्या होता है, दैट इज हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। उसको डिटरमाइन करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया जाता है उसे बोलते हैं हम बॉम्ब कैलोरी मीटर। सो बॉम्ब कैलोरी मीटर में हम क्या मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं उसमें क्यू फी, दैट इज हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, या जिसे डेल्टा यू भी बोलते हैं, ये हम मेजर करते हैं, ठीक है सर। सर ये कैसे मेजर किया जाता है, यहां पर हम एक पूरा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर। उस बॉम्ब कैलोरी मीटर में हम किसी कंपाउंड का कंबशन कराते हैं, क्योंकि ये एक क्लोज्ड वेसल में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो जो हीट चेंज आएगी वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में होगी, तो उससे डेल्टा यू पता चल जाएगा। सर अगर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो बेंजीन है, बेंजीन का कंबशन करा दिया, डेल्टा एच कैसे निकालूंगा, अरे यार लास्ट क्लास फर्स्ट पार्ट पढ़ा होगा आपने इसका, डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा यू आ जाएगा, डेल्टा एन जी निकालना आता है, या आर पता है टी पता है, डेल्टा एच आ जाएगा, ठीक है। बट पहले डेल्टा यू पे फोकस करते हैं, ध्यान से सुनिए समझिए, यहां पर रखा है हमने बीच में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमें कंबशन कराना है, ठीक है सर। ऊपर से दो वायर्स लगाई हमने, ऑक्सीजन की सप्लाई आई है, जैसे इस वायर को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे आपको पता है यहां पर स्पार्क प्रोड्यूस होगा, जो भी था ये बेंजीन था या शुगर था या ग्लूकोज था जो भी था उसका कंबशन हो जाएगा, यस सर। जैसे इसका कंबशन होगा क्या यहां पर बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी, धुआं धुआं हो जाएगा यहां पर, यस सर। ये हीट जो है ये विद द हेल्प, क्योंकि वॉल्स गर्म हो जाएंगी, ये हीट सारी पानी को मिलेगी और बॉम्ब कैलोरी मीटर को मिलेगी, यस सर। आपने कंबशन कराने से पहले इस थर्मामीटर की हेल्प से टेम्परेचर नोट कर लिया था, मान लीजिए वो 25 डिग्री सेल्सियस था, कंबशन कराने के बाद वो टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, 25 इनिशियल 35 फाइनल, तो 35 माइनस 25 एट इज 10 डिग्री सेल्सियस
हीट टेम्परेचर रेज हुआ है वो भी पता चल गया। तो बस वहां से ही हम डेल्टा यू निकाल लेंगे, जितने भी यहां पर हीट निकली है क्या उसे क्यू, जितने भी यहां पर हीट निकली है क्या उसे क्यू वी या डेल्टा यू बोल सकता हूं, यस। जितने भी हीट निकली है उसको एब्जॉर्ब किसने किया है, सर दो जनों ने एब्जॉर्ब किया है, एक तो जो हीट निकलेगी पानी एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा, और पानी गर्म हो जाएगा, दूसरा उस हीट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर, जिस भी मटेरियल से ये बना हुआ है, ठीक है। तो जो हीट निकली है वो एब्जॉर्ब किसने करी है, हीट एक तो एब्जॉर्ब करी है वॉटर ने, और दूसरा जो हीट एब्जॉर्ब करी है वो करी है बॉम्ब कैलोरी मीटर, ठीक है सर। नेक्स्ट पेज पे वही लिख रहा हूं, तो डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, सर फॉर्मूला लग जाएगा एम एस डेल्टा टी, है ना, क्यू किसके बराबर होता है, एम एस डेल्टा टी होता है, किसका, वाटर का, किसका, वाटर का, एम और एस वाटर का, अरे सर डेल्टा टी भी वाटर का, बेटा जो डेल्टा टी होगा चेंज इन टेम्परेचर वो तो सेम होगा ना बॉम्ब कैलोरीमीटर का और पानी का, पानी और बॉम्ब कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम होगा, हाँ सर वो तो पता ही है। फिर नेक्स्ट यहां पर भी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी तो लिखना ही लिखना है, साथ में क्या हीट कैपेसिटी लिख सकता हूं बॉम्ब कैलोरीमीटर की, हाँ सर लिख सकते हो, बी सी मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर, थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख दीजिए सर, लिख देते हैं बेटा, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरी मीटर इनटू डेल्टा टी, याद रखिएगा अभी जो भी हीट का यूनिट आएगा वो जूल में आएगा, जूल पर मोल में नहीं आएगा, क्योंकि जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने कंबशन कराया था उसके कुछ ग्राम लिए होंगे, एक ग्राम, दो ग्राम, पांच ग्राम, दस ग्राम, है ना, उसी हिसाब से नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दोगे तो जूल पर मोल हो जाएगा, सर वो तो कोई बात है नहीं बताने वाली, वो तो सबको पता है, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बिल्कुल। तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा डी मैंने कॉमन निकाल लिया, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इंटू डेल्टा टी। अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड जिसका आपने कंबस्टन कराया है ऑर्गेनिक कंपाउंड उससे अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो यही यूनिट क्या हो जाएंगे, जूल पर मोल, ठीक है सर। तो बहुत आसान हो गया, फॉर्मूला आपको इतना सा ही याद रखना है, पेपर में इसके तीन प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं, तीन प्रकार के, तीनों टाइप में आपको बता देता हूं, पेपर में बॉम्ब कैलोरीमीटर पे क्वेश्चन आएगा और वाटर के बारे में लिखा होगा, मास लिखा होगा, स्पेसिफिक हीट वाटर की लिखी होगी, ठीक है, और बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी, है ना, कि उसकी हीट कैपेसिटी क्या है। तो फॉर्मूला पता क्या हो जाएगा, बस इतना सा, इसको हटा दो सारे के सारे को, इतना एम एस डेल्टा टी, मोल में निकालना होगा तो नीचे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना, ठीक है। मान लो एक तरह का क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये आया, जब आएगा तो उसमें सिर्फ हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की दी होगी, डेल्टा टी भी दिया होगा, बट पानी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होगा, तो इसको गायब कर देंगे, इसको गायब कर देंगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इनटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर पर मोल में निकालना है, ठीक। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर पेपर में न्यूमेरिकल आया, वाटर का भी दिया होगा मास स्पेसिफिक हीट वगैरह या हीट कैपेसिटी, और बॉम्ब कैलोरीमीटर की भी हीट कैपेसिटी दी होगी, तो ऑब्वियसली पूरा फॉर्मूला यही हो जाएगा यार, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं ज्यादा इसके बारे में आपको पता चल पाएगा, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आंसर आप फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको कैलकुलेशन तक ले चलता हूं। स्टीरिक एसिड फॉर्मूला दे रखा है, एक फैटी एसिड है, ठीक है, वो पार्ट जो फैट का जो कि स्टोर हो जाता है, अच्छा जो स्टोर करता है पार्ट ऑफ द फैट दैट स्टोर मोस्ट ऑफ द एनर्जी, ठीक है, कितने ग्राम लिया एसिडिक एसिड, 1 ग्राम, उसको बर्न कर दिया बॉम्ब कैलोरीमीटर में, उसी का कंबस्शन कराया स्टीरिक एसिड का, ठीक है, बॉम्ब की हीट कैपेसिटी दे रखी है, टेम्परेचर 500 ग्राम वाटर का, उसकी भी स्पेसिफिक हीट दे रखी है, सी से लिखो या एस से लिखो बात एक ही है, 25 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस 0.3 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, कितनी हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, हीट ऑब्वियसली
पर मोल में नहीं दे रखी है तो इसका मतलब मैं नंबर ऑफ मोल से डिवाइड नहीं करूंगा, ठीक है सर। सो डेल्टा यू एम एस डेल्टा टी, पहले पानी के बारे में बात करते हैं। 500 ग्राम, यस सर, सब कुछ सीजीएस में रखा हुआ है। स्पेसिफिक हीट 4.18, हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की, बॉम्ब कैलोरीमीटर की ये 652 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, 39.3 से 25 गया, दैट इज 14.3, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा ग्राम को किलोग्राम वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहां पर ये 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर अपने आप निकाल लेंगे, आंसर जूल में आएगा, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है कि क्या करना, ठीक है सर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या थी, फर्स्ट लॉ बोलने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देता था, बट करते टाइम इसकी हालत जो है वो टाइट हो जाती थी। जैसे 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 क्या आपको पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यस। मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है, वैसे साइक्लिक भी कंसिडर कर सकते थे, आइसोथर्मल प्रोसेस है आइडियल गैस के लिए, क्या डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, यस सर, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। इस लाइन का मतलब पता क्या, किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी हीट अब्सॉर्ब करी जाएगी उतने का ही वर्क डन कर दिया जाएगा, यानी कि अगर 200 जूल ऑफ हीट अब्सॉर्ब करी सिस्टम ने तो वो 200 जूल ऑफ वर्क डन कर सकता है, कंप्लीटली कर सकता है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। पहली लिमिटेशन यही थी, ठीक है। 100% एफिशिएंसी किसी की भी होना पॉसिबल नहीं है, 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल, ये तो कह देता था हो सकता है, बट रियलिटी ये नहीं है, ठीक है। कार्नोट इंजन वगैरह से भी पता चला था, पता ही है कार्नोट इंजन आप फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ते भी हैं। सेकंड एक और ये प्रॉब्लम थी, ये क्या कहता था कि अगर आप किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में लेके आओगे तो डेफिनेटली हीट तो चेंज होगी होगी, है ना, एनर्जी का एक्सचेंज होगा ही होगा, बट वो डायरेक्शन नहीं बता पाता था कि कोल्ड टू हॉट होगी कि हॉट टू कोल्ड होगी, पता ही आपको कहां से कहां होती है, बट ये डायरेक्शन नहीं बता पाता था, ठीक है। इट डज नॉट टेल अस डायरेक्शन ऑफ हीट, ठीक है जी। अब शुरू करते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेस, सारा बेस समझ आ जाएगा तो उसके लिए तो बस डेफिनेशन नहीं लिखनी है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो के लिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सर क्या होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो तो एक तो अपने आप ही होती है, दूसरा एक बार बस उनको आप स्टार्ट कर दो और उसके बाद वो अपने आप होती रहती हैं, उनको भी क्या बोलते हैं हम लोग, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल, क्या बोला, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो प्रकार की होती है, एक तो जो अपने आप होती है, दूसरी क्या है, इनको एक बार आप स्टार्ट कर दीजिए उसके बाद होती रहेंगी। जो अपने आप होती है कैसे, पानी कहीं हाई एल्टीट्यूड पे हो वो अपने आप नीचे की तरफ चलता है, तो ये प्रोसेस अपने आप होती है, ठीक। दूसरी जिनको एक बार स्टार्ट कर दो, मान लीजिए कैंडल है, ठीक है, वैक्स की बनी हुई, आप एक बार उसे जला दीजिए, ठीक है, उसके बाद वो अपने आप जलती रहती है, ठीक है, इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है सर। नेक्स्ट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये भी दो प्रकार की होती है, एक जो हो ही नहीं सकती, ठीक है, दूसरी हो तो सकती है बट उसके लिए बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहोगे ये प्रोसेस होती रहेगी, बाहर का एक्सटर्नल फोर्स बंद ये प्रोसेस का होना भी क्या हो जाएगा, बंद। मैं समझाता हूं, एक जो हो ही नहीं सकती, मान एक्सपेरिमेंट करिए, आप घर पे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप शीशे का ग्लास लीजिए, किचन में जाइए, उसको अपने हाथ से छोड़ दीजिए, वो नीचे जाते टूट जाएगा ना, जमीन पे गिरते टूट जाएगा, ठीक है, ट्राई इट एट योर ओन रिस्क ताकि आपको किसी तरह का चोट वगैरह ना लगे। जैसे वो नीचे टूट जाएगा चारों तरफ जो है, ठीक है,
उसके कंकर वगैरह, उसके सॉरी टुकड़े जो है वो चारों तरफ फैल जाएंगे, अगर आपने उस ग्लास को इकट्ठा करके दोबारा उसी हाइट पे ले आए जहां से वो गिरा था, तो क्या वो सारे जो पार्ट हुए हुए हैं उसके ग्लास के वो जुड़ जाएंगे? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो ये वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो हो ही नहीं सकती। और उसके बाद जैसे ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं शीशे के ग्लास के, आपके शरीर के कितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो आपको पता ही है। मैं उसके बारे में आपको याद दिला के आपके किसी शरीर में और कहीं दर्द पैदा नहीं करना चाहता हूं। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं तो यही कहूंगा कि मत ट्राई करिएगा, ठीक है? हाँ, अगर आप खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि है ना आई एम डिफरेंट, यू कैन ट्राई, वी ऑल आर सेम मैन, ठीक है? चलिए, दूसरी हो तो सकती है, बट उसके लिए बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे क्या? अगर आपका मन अभी कर रहा हो कि यार मेरा जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, उसी टाइम आपके ये सोचने की देर है, उसी टाइम पापा ने दरवाजा खोला और आपके स्टडी टेबल पे आके पीछे आके खड़े हो गए। आप देखिए, आपका अचानक ही अंदर से आपके शरीर में ऐसी भावनाएं उभरेंगी और आपका अपने आप पढ़ाई में फोकस बनने लगेगा। ये कब तक होता रहेगा सर? जब तक पिताश्री आपकी चेयर के पीछे खड़े हैं, है ना? जैसे ही वो यहां से बाहर जाएंगे, दोबारा जो आपका मन है वो आपके दिलो दिमाग पर हावी हो जाएगा, जो लेजीनेस है वो हावी हो जाएगी, ठीक है? तो ये वो प्रोसेस है जो हो तो सकती है, बट जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब तक हो रही है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स बंद, पापा रूम से बाहर, किताबें बंद, ठीक है? तो ये होती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। साइंटिस्ट देखते थे कि कुछ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं, कुछ प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हैं। ऐसा क्या है किसी प्रोसेस में जो किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाता है या नॉन स्पॉन्टेनियस बनाता है? वही हमारा अगला टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉन्टेनिटी, जिसको यहां पर एक बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। जीवन का वर्णन तीन शब्दों में करें, साइंस का स्टूडेंट कहता है एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। सर, ऐसी साइंस की स्टूडेंट होती तो ऑब्वियसली सारे कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी साइंस में ही होते। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ठीक है? तो चलिए चलिए चलिए, तो ऐसा क्या है किसी भी प्रोसेस में, ठीक है, जो किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाता है? उसमें से दो तो यहां पर लिखे ही हुए हैं, वैसे तीसरा भी है, बट दो तो यहां पर लिखे हुए हैं, उन्हीं को हम डिटेल में बात करने लगे। पहला फैक्टर है टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, दूसरा है टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। बताते हैं, पहले से शुरू कर रहा हूं मैं, टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। आपने केमिकल बॉन्डिंग अगर पढ़ा होगा तो उसकी पहली लाइन यही कहती है कि एटम्स आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्या ऐसी आफत आ रही है कि अकेला एच नहीं रह सकता, एक एच दूसरे एच को पकड़ के H2 बना लेता है, एक फास्फोरस बाकी तीन फास्फोरस साल मिलके P4 बना लेता है, एक सल्फर बाकी सात सल्फर के साथ मिलके एसिड बना लेता है, ऐसा क्या है? हम कहते हैं कि ये स्टेबल होने जा रहे हैं, ठीक है? इसी कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं। जब भी कोई कंपाउंड स्टेबल होता है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है? लूज करता है। क्या करता है? लूज करता है, ठीक है? तो अगर ए से बी जाने पर एनर्जी लूज हो रही है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी हीट ज्यादा है, इसकी हीट कम है, हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। जिन भी साइंटिस्ट ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा था, वो सारे आ गए कह रहे कि हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है कि कोई भी कंपाउंड तब स्टेबल बनेगा अगर वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और साथ में एनर्जी क्या करे? रिलीज करे। यानी कि सारे साइंटिस्ट कहते हैं अच्छा, इसका मतलब जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी जो है वो स्पॉन्टेनियस होंगी, है ना? सब कहते हैं हाँ 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 हाँ, ये बात सच है कि सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। मैं बोल कुछ और रहा हूं, आपका ध्यान इसकी तरफ है, है ना? जो लिखा हुआ है उस पर तो ध्यान है ही, आप ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन बना के जरूर देख रहे होंगे, मैं जानता हूं आपको, ठीक है? क्या आर यू एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज यू आर हॉट, एक ऐसी लाइन मिल गई आपको जिसको आप आगे कहीं फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ठीक है? मेडिकल कॉलेज जाने के बाद, ठीक है? अच्छा जी, वापिस आ रहे हैं टॉपिक पे, ठीक है जी। तो सारे साइंटिस्ट आपस में कहने लगे भाई अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर, ये बात सच है या नहीं है वो एक अलग बात है, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस
एंड ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन आर नॉन स्पॉन्टेनियस. सारे साइंटिस्ट आपस में शाबाशी देने लगे, भाई हमने क्रैक कर लिया है, सारी एक्सो स्पॉन्टेनियस होंगी, सारी एंडो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी. उनमें से कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ऐसे थे, वो कह रहे थे यार बात कुछ जम नहीं रही है, क्योंकि पता है क्या हुआ, मैं कल रात को सोते टाइम मैंने पास में अपने एक ग्लास रखा पानी का जो आधा भरा हुआ था, और उसको ढक दिया, यहां से ना ऊपर लिड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया. मैंने सुबह उठ के क्या देखा कि यहां से पानी कुछ इवेपोरेट होके ऊपर यहां पे टकरा के कंडेंस हो गया था, यानी कि वाटर लिक्विड से कुछ गैस में कन्वर्ट हुआ होगा, यानी कि डेल्टा एच क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पर रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक. पता ही है वाटर को लिक्विड से गैस में जाने के लिए हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, रिलीज नहीं होती है, एब्जॉर्ब करनी पड़ती है. तो उसने बोला कि अगर सारी एक्सो स्पॉन्टेनियस होती, सारी एंडो नॉन स्पॉन्टेनियस होती, तो ये वाटर का इवेपोरेशन कैसे हो रहा है, ये वाटर का इवेपोरेशन कैसे हो रहा है. बट इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस टू. रात को कोई भूत थोड़ा आया था जिसने इस ग्लास को पकड़ के उल्टा कर दियो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो इसका मतलब पहली बात तो एंडोथर्मिक है, दूसरा स्पॉन्टेनियस है. ये अपने इसी ग्लास को पकड़ के बाकी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के पास चला गया, कह रहा केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ा है हो, ये बताओ तुम तो कह रहे थे कि सारी एक्सो ही स्पॉन्टेनियस होंगी, यहां पर तो एंडो भी स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं, ये बताओ. कह रहे यार हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है. इसका मतलब कोई ऐसा और फैक्टर जरूर होगा जो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना रहा है, क्योंकि यहां पर एक्सो तो है नहीं फिर भी स्पॉन्टेनियस है. तो फिर वो दूसरा फैक्टर ये था, टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस. क्लास काफी देर से चल रही है, आपको पता है आप में से काफी बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, जो पूरी लाइफ स्कूल में भी हमारे दिमाग में आता रहता है, जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, अरे भाई क्लास खत्म कब होगी. अगर ये क्लास आज लाइव होती तो चैट बॉक्स में भर भर के इस समय बच्चे लिख रहे होते हैं, सर क्लास खत्म होगी, सर कितनी बची. हाँ ठीक है जी, ठीक है. तो हर कोई यही पूछना चाहता है कि क्लास कितनी बची, है ना. क्यों ऐसा क्यों पूछना चाहता है, उसके पीछे का रीजन सुनिए. राइट नाउ तो ऑब्वियसली वो एक रूम में बैठा होगा, अपने स्टडी टेबल पे बैठा होगा, हेडफोन लगा रखे होंगे, शांति होगी, आराम से नोट्स बना रहा होगा और चीजों को अच्छे तरीके से समझ रहा होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा होगा. जैसे ही क्लास फिनिश हो जाएगी, आपको पता है इन सारी चीजों में से कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही फोन खोलते ही या तो व्हाट्सएप चलने लगेगा, या फेसबुक चलने लगेगा, या इंस्टाग्राम चलने लगेगा, ठीक है ना, सही कह रहा हूं. क्यों? क्योंकि उस समय आपकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, जो मन चाहेगा वो आप करोगे, ठीक है. बस वही दूसरा फैक्टर है, हर कोई यही चाहता है, ठीक है, हर कोई रिएक्शन यही चाहती है कि रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट जाऊं तो मेरी रैंडमनेस बढ़ जाए, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट जाऊं तो मेरी रैंडमनेस या डिसऑर्डर बढ़ जाए, ठीक है. तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाए तो रैंडमनेस कहना है रैंडमनेस कह लो, आवारा गर्दी कहना है आवारा गर्दी कह लो, डिसऑर्डर कहना है डिसऑर्डर कह लो, इंक्रीज हो जाए, ठीक है सर. ये दूसरा फैक्टर था, इसी डिसऑर्डर का एक नाम दिया गया, उसको क्या बोला गया, दैट इज एंट्रोपी. क्या बोला गया? एंट्रोपी, जो मेजरमेंट था डिसऑर्डर का. अगर किसी सिस्टम में डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है, हम कहेंगे एंट्रोपी बहुत ज्यादा है. अगर कहीं कहेंगे कि एंट्रोपी डिसऑर्डर कम है, हम कहेंगे एंट्रोपी भी क्या है, कम. सर एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल. अगर किसी क्लास में पढ़ते टाइम बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है, वहां पर एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है. और अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तो वहां पर डिसऑर्डर या एंट्रोपी क्या है, बहुत कम, ठीक है. तो एंट्रोपी समझ तो आ गया क्या होता है. यस सर, दैट इज मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर. तो दो फैक्टर थे जो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाते थे. पहला कहता था एनर्जी कम से कम रखो, यानी कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक.
दूसरा फैक्टर क्या कहता था, ये वाला, एंट्रोपी को ज्यादा से ज्यादा रखो, ठीक है। पहला कहता था एनर्जी कम से कम रखो, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर एनर्जी कम होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर क्या कहता था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बस उसी को हमने नेक्स्ट मीम से एक्सप्लेन किया हुआ है। जब भी बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं तो, है ना, तो पूछता ही है, ठीक है, अरे ये सर कहाँ से ले आए हमारी बचपन की फोटो। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, इसमें वैसे थोड़े ज्यादा सुंदर लग रहे हो आप, ठीक है। क्या लिखा हुआ जी, टीचर क्या हो रहा है, स्टूडेंट, एक पॉजिटिव एंट्रोपी, वही एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, और नेगेटिव एंथाल्पी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड सम थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन, जिसके कारण मजे आ रहे हैं जिंदगी के। चलिए एंट्रोपी को और डिटेल में पढ़ते हैं। सर किसी भी रिएक्शन की हम एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे ये देखिए, जैसे ये नहीं, पहले एक पिछला पेज ले लेता हूं, उसमें एक पेज ऐड कर लेता हूं, फिर बात करता हूं। ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा प्रोडक्ट, इसकी एंट्रोपी को एस आर से लिख रहा हूं, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, इसको लिख रहा हूं एस बी से, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट। तो एंट्रोपी चेंज कैसे पता चलेगा, मैंने बोला था कोई भी चीज निकालनी हो सिर्फ एक बॉन्ड एनर्जी और कंबस्शन को छोड़ दीजिए, बाकी हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट का ऐड कर लेना, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट को ऐड कर लेना, दोनों को माइनस कर देना, ठीक है सर। सर मान लीजिए रिएक्शन होती कुछ ऐसी, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, एंट्रोपी चेंज का एक जनरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, जितनी हीट चेंज आई है इस रिएक्शन में, एक्सपेंशन होगी तो एक्सपेंशन लिख देना, कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन लिख देना, डिवाइडेड बाय जितना टेम्परेचर। मैं बताता हूं इसका बेस क्या, एंट्रोपी चेंज हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने अनफॉर्चुनेटली कहीं ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में सुना होगा कि कहीं पर कहीं आग लग गई, है ना, जैसे कहीं पर कोई आग लग जाती है, आग लगने से पहले लोग अपनी जगह पे बैठे होंगे, यस, और आग लगने के बाद, है ना, जैसे हीट बढ़ गई वहां पर, लोग ऑब्वियसली वहां से डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, रैंडमनेस क्रिएट होने लगती है, केओस क्रिएट हो जाता है, लोग वहां से भागने लगते हैं। तो ये बात तो पक्की हो गई कि अगर हीट बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। सर क्या इसका मतलब यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी कम होगी, नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, अरे लिखा हुआ है मतलब नहीं है, सुनो, इस लाइन का मतलब क्या, मैं समझा रहा हूं अभी, टाइम ले रहा हूं, ठीक है। क्या अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी चेंज कम आएगा। सर थोड़ा समझाते, या टेम्परेचर ज्यादा हो तो एंट्रोपी चेंज कम आएगा, समझाते हैं। मान लीजिए दो अलग अलग सिचुएशंस ले लेते हैं। एक वो सिचुएशन है जहां पर शायद ही कभी आप गए होंगे, लाइफ में कभी आपको जानने का मौका नहीं मिला होगा, आप उसे लेट कर लीजिए, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, हिपोथेटिकल, ठीक है। सर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम कभी नहीं गए होंगे, बेटा वो जगह का नाम क्या है, क्या नाम है, दैट इज लाइब्रेरी, है सर लाइब्रेरी, हाँ सुना सुना तो नहीं लग रहा होगा, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं अपनी पढ़ाई को करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको किसी ने लाइब्रेरी के बारे में अवगत कराया, जैसे मैंने बताया, आपका मन किया यार कल लाइब्रेरी जाऊंगा, ठीक है। कल आप लाइब्रेरी में आपने एंट्री करी, जैसे ही एंट्री करी वहां पर 50-100 लोग पढ़ रहे थे और पिन ड्रॉप साइलेंस होता है लाइब्रेरी में, लोगों के पन्ने पलटने तक की आवाज आती है, ठीक है। उस पिन ड्रॉप साइलेंस में सब पढ़ रहे थे, आपने जैसे लाइब्रेरी में एंटर किया, आपने देखा बहुत दूर आपका एक दोस्त भी आज भूले भटके लाइब्रेरी आ गया। आपने उसे गेट मान लेते हैं, उसका नाम, आपका नाम रमेश है, उसका नाम सुरेश है, आपने गेट से उसे आवाज मारी, ओए सुरेश, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके इस चिल्लाने से जो 100 लोग वहां पे पढ़ रहे थे सब अपनी गर्दन ऊपर करेंगे और देखेंगे कौन ऐसा महानुभव है जो उसको ये नहीं पता कि लाइब्रेरी का डेकोरम क्या होता है, उसको ये आवाज नहीं लगानी चाहिए थी। आप देख रहे हैं वहां पर डिसऑर्डर बहुत कम था, आपकी एक आवाज लगाने से एंट्रोपी चेंज कितना ज्यादा आया कि 100 के 100 लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे कि जैसे आपने उनसे उनकी किडनी मांग ली हो। इसी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं और एक ऐसी जगह पे आपको लेके चलते हैं जहां पर आपका आना जाना लगा ही रहता है, शायद अभी भी आज भी आप वहां पर घूम के जरूर आए हो, दैट इज मॉल, है ना। तो किसी मॉल में गए, आपने जैसे ही एंट्री करी, मॉल में बहुत ज्यादा शोर होता है, लोग बातें कर रहे होते हैं, आपको पता ही है चारों तरफ केओस क्रिएट होता है, ठीक है। वहां पर आपका वही दोस्त सुरेश, ठीक है, वो भी आज
आज क्या, वो तो रोज ही जाता है सर मॉल में घूम रहा था, आपने उसे दूर से देखा और आपने आवाज में ओए सुरेश, ठीक है, क्या आप देखेंगे कि जो वहां पर सैकड़ों हजारों लोग होंगे, सुरेश का नाम सुनने पर क्या लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे? आंसर है नो। वहां पर एंट्रोपी ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि आपके एक आवाज लगाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। सेम इज द केस हियर। यहां पर क्या हो रहा है, इसी रिएक्शन को अगर आपने लो टेम्परेचर पे कराया, वही लाइब्रेरी वाले केस में, तो एंट्रोपी चेंज बहुत ज्यादा आएगा। इसी रिएक्शन को अगर आपने हाई टेम्परेचर पे कराया, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे कराया, तो एंट्रोपी चेंज बहुत कम आएगा। ठीक है, एंट्रोपी और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखिएगा, दिस इज ट्रू। पता चले के आप इसको मिस इंटरप्रेट कर लें और ये कहने लगे कि एंट्रोपी और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, नहीं भाई, डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर कहीं पर आग लग जाती है तो लोग भागना शुरू कर देते हैं ना, डिसऑर्डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है सर, तो आई थिंक फॉर्मूले का मतलब भी आपको समझ आ गया है। यही हमारा MITB है नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि सारे फॉर्मूले एंट्रोपी के इसी से डिराइव किए जाएंगे। कुछ और बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी के बारे में। सर यूनिट क्या होगा एंट्रोपी का? साफ पता है, ये हीट है, ये टेम्परेचर है, इसका यूनिट जूल होगा, इसका केल्विन होगा, तो यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन हो गया, वही लिखा हुआ है। पर एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, हाँ पता ही है, कम बच्चे होंगे कम शोर मचाएंगे, कम एंट्रोपी होगी, ज्यादा बच्चे होंगे ज्यादा शोर मचाएंगे, ज्यादा एंट्रोपी होगी, ठीक। बट अगर इसी एंट्रोपी का यूनिट ये लिखा हुआ है जूल पर केल्विन पर मोल, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया क्या, या जूल पर केल्विन पर ग्राम भी हो सकता है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। कारण आपको पता ही है, दिस इज एक्सटेंसिव, मोल्स भी क्या होते हैं, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा, दैट इज इंटेंसिव, क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। तो अगर यूनिट जूल पर केल्विन है तो एक्सटेंसिव है, अगर यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल है, या जूल पर केल्विन पर ग्राम है, या जूल पर केल्विन पर मिलीग्राम है, वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। ठीक, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होता है, यस सर, ये तो लास्ट क्लास में बता दिया था आपने, दो ही पाथ फंक्शन पढ़ने थे, क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू के साथ वही हीट कैपेसिटी वगैरह। डेल्टा एस जीरो होगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, पता ही है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जहां से शुरू होती है घूम फिर के वहीं पे वापस आ जाती है, यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होता है। जब सेम होता है तो उसके लिए चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होता है, जीरो, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। यस सर, ये लास्ट पार्ट में भी बताया था आपने, चेंज इन एंट्रोपी, ये तो अभी अभी लिखा है, जस्ट अभी अभी लिखा है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंट्रोपी फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करती है। सॉलिड में पार्टिकल सबसे ज्यादा पास पास होते हैं तो मूवमेंट बहुत कम हो पाता है, तो एंट्रोपी कम होगी। लिक्विड में पार्टिकल जो है वो मूव कर सकते हैं तो ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ जाएगी। गैस में तो आपको पता ही है, बहती हवा सा था वो, है ना, तो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, कहीं पर भी अपनी मनमर्जी से मूव कर सकते हैं, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा। यानी कि अगर सेम सब्सटेंस सॉलिड में है, वही लिक्विड में है, वही गैस में है, तो उसी सब्सटेंस की सॉलिड में एंट्रोपी सबसे कम होगी, लिक्विड में ज्यादा होगी, गैस में उससे भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये वही उसी को एक्सप्लेन किया हुआ हमने, H2 सॉलिड में, H2 लिक्विड में, H2 गैस में एंट्रोपी सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। बट इसका एक आध एक्सेप्शन भी है, वो भी पढ़ाएंगे अभी दो मिनट में, बट आगे बात करते हैं अभी। मान लीजिए दोनों ही गैस मॉलिक्यूल हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल सेम है, मान लो एक कोई सब्सटेंस है, फ्लोरीन मान लेते हैं, गैस है, एक मोल है, क्लोरीन मान लेते हैं, वो भी एक मोल है, गैस है, तो बताइए एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? जो जितना बड़ा गैस मॉलिक्यूल होगा या, ठीक है, उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। बिगर द गैस मॉलिक्यूल मोर इज द एंट्रोपी, अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है। आयोडीन सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, सॉलिड और लिक्विड में से लिक्विड ही ज्यादा होगी। फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, फिर किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली क्लोरीन बड़ा होता है, फ्लोरीन छोटा होता है, उसकी एंट्रोपी कम, उसकी एंट्रोपी ज्यादा। ठीक है सर, अगर किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी, हमें कैसे पता चलेगा? हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा एनजी, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अगर वो पॉजिटिव आया, अगर वो पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे एंट्रोपी बढ़ रही है, नेगेटिव आया तो हम कहेंगे एंट्रोपी कम हो रही है। सर एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं एग्जांपल, क्यों नहीं दे सकते? ये कोई रिएक्शन है, 1N2 गैस प्लस 3H2 गैस
gives you 2NH3 gas. इसका डेल्टा एनजी निकाल रहे हैं, डेल्टा एनजी जो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के गैस वाले, प्रोडक्ट ये रहा गैस वाले नंबर ऑफ मोल्स 2, रिएक्टेंट गैस वाले 3, रिएक्टेंट गैस वाले 1. क्या डेल्टा एनजी नेगेटिव आया है? यस सर. अगर डेल्टा एनजी डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव आया तो डिक्रीज तो हो रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा, कम होगा. ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है. ठीक है सर, एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ गैसेस और सॉलिड्स और आना है यहां पे. इज एंट्रोपी विल इंक्रीज जब भी, चाहे गैस के मॉलिक्यूल आपस में मिक्स करो या लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में मिक्स करो या सॉलिड के मॉलिक्यूल आपस में मिक्स करो, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी. इसका क्लासिक एग्जांपल आपकी क्लास है. आपकी क्लास में जब एक ही क्लास के स्टूडेंट होते हैं तो एंट्रोपी थोड़ी कम होती है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई और क्लास के बच्चे जिनका टीचर नहीं आया होता उसको भी आपकी क्लास में डाल दिया जाता है, तो उस समय पर एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि जब भी मिक्सिंग होगी चीजों की तो एंट्रोपी बढ़ जाती है. ठीक है सर, एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिसिटी के भी, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल. जैसे नियॉन है, नियॉन में एक एटम होता है मॉलिक्यूल में, उसकी एंट्रोपी कम है. यहां पर एक गैस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं तो इसकी एंट्रोपी क्या है, ज्यादा. एटॉमिसिटी बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी. ठीक है सर, अभी मैंने एक्सेप्शन भी बोला था क्या, कि वैसे तो एंट्रोपी सॉलिड की कम होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है, गैस की उससे भी ज्यादा होती है, बट उसका एक्सेप्शन है कौन सा, बॉइलिंग ऑफ एन एग, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में लिखा गया है. जब एग को बॉयल करते हैं तो आपको पता ही है कि वो लिक्विड से सॉलिड में जाता है, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी एग को आप बॉयल करते हैं तो उसके प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है. पता ही आपको डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसके मुकाबले में यहां ये लिक्विड एग है बॉयल करने से पहले, ये सॉलिड एग है बॉयल करने के बाद. हालांकि लिक्विड से सॉलिड में तो जा रहा है बट एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू डीनेचुरेशन. एक और इसका पॉइंट है, ऑन स्ट्रेचिंग द रबड़ एंट्रोपी डिक्रीज होगी. रबड़ बैंड आपने देखा होगा अपनी मम्मी को सिस्टर को पहने हुए, या अगर आप भी है ना, शौक बड़ी चीज है, अगर आप भी पहनते होंगे लड़का होके भी, तो हो सकता है. ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर आप पहनते होंगे तो आपने देखा होगा रबड़ बैंड जो होता है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, कुछ ऐसी फॉर्म में रहता है. जैसे ही आप उसे स्ट्रेच करते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है. तो आपको पता है जब कॉइल्ड फॉर्म में था एंट्रोपी ज्यादा होगी, स्ट्रेच कर देंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी. वही लिखा हुआ है, ऑन स्ट्रेचिंग द रबड़ एंट्रोपी विल डिक्रीज. ठीक है सर, जब भी हम बात करेंगे तो एंट्रोपी चेंज 2 तरह का पढ़ेंगे हम, एक तो एंट्रोपी चेंज सिस्टम का, एक एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का. ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा डेल्टा एस टोटल, या डेल्टा एस यूनिवर्स भी बोल सकते हैं आप इसे. आपने सुना भी होगा, आपने सुनी भी होगी ये बात कि यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है, यूनिवर्स फैलता जा रहा है. वो इसी लाइन पे बेस्ड है कि हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो डेल्टा एस टोटल आएगा वो पॉजिटिव होता है. डेल्टा एस टोटल बोल रहा हूं, सिस्टम नहीं बोल रहा हूं, सराउंडिंग नहीं बोल रहा हूं, डेल्टा एस टोटल बोल रहा हूं, वो क्या आता है पॉजिटिव हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में. चलो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ. डेल्टा एस टोटल होगा किसके बराबर, डेल्टा एस यूनिवर्स भी बोल सकते हो, जितना चेंज सिस्टम में आएगा जितना चेंज सराउंडिंग में आएगा दोनों को ऐड कर देंगे डेल्टा एस टोटल आ जाएगा. सर एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल, मान लीजिए यहां पर कोई सिस्टम है उसके अंदर गैसियस पार्टिकल नजर आ रहे हैं. यस, आपने क्या किया, यहां से सिस्टम ने बाहर से हीट क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली. सो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. ठीक, एंड हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग्स. ऑब्वियसली अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी है तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय टेम्परेचर, और अगर सराउंडिंग ने हीट लॉस करी है तो हीट लॉस, समझ आ गया, हीट लॉस बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर.
प्रोसेस क्योंकि रिवर्सिबल है तो सिस्टम और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो सेम होगा, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है सेम होगा। सो दिस प्लस दिस कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा सर, जीरो आ जाएगा। किसमें? रिवर्सिबल में। किसमें? रिवर्सिबल में। दिस प्लस दिस कम्स आउट टू बी जीरो रिवर्सिबल के लिए। बट सर अगर इरिवर्सिबल होता तो ऑब्वियसली डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता और ये जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अलग अलग प्रोसेस में हम एंट्रोपी चेंज पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एंट्रोपी चेंज पढ़ रहे हैं फेस ट्रांजिशन में। फेस ट्रांजिशन कहने का मतलब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चला गया या लिक्विड से गैस में चला गया या सॉलिड से गैस में चला गया, तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे। सबसे पहला है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। सर ये होती क्या है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन? एक मोल सॉलिड को एक मोल गैस में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी सॉलिड को लिक्विड में, एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, जितना एंट्रोपी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सर ये लिखा कैसे जाएगा? बेटा फॉर्मूला तो एक ही है, जितना हीट चेंज आएगा डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन सा होगा सर? मेल्टिंग पॉइंट। क्या उस हीट चेंज को मैं डेल्टा एच फ्यूजन बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। बस याद रखिएगा इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो हीट अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। तो डेल्टा एच फ्यूजन दैट इज हीट चेंज ही तो होता है, डेल्टा एच और क्या होता है? यस सर। सो डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, डेल्टा एच फ्यूजन आज ही पढ़ा है हमने। नेक्स्ट है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन सर इसकी डेफिनेशन क्या है? जब किसी भी एक मोल लिक्विड को एक मोल गैस में कन्वर्ट करोगे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो जो एंट्रोपी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे आप? एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। सर फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा यार? ऊपर आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, है ना, जितना हीट चेंज आया इवेपोरेट होने में। Divided by the PV, that is point. कमाल की बात देखो इसमें एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन में, जो बड़ी कमाल की बात है, ठीक है। दो चार साल पहले इससे और सॉल्यूशन चैप्टर से कंबाइन करके, इस टॉपिक और सॉल्यूशन चैप्टर से कंबाइन करके क्वेश्चन भी आया था PYQ में। ध्यान सुनिए क्या है, हमने तीन अलग अलग लिक्विड ले लिए, मान लीजिए ये बेंजीन है, ये CCl4 है और ये CH2 है। इन सब का एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अलग अलग होगा? हाँ सर अलग अलग हो। इसके एक मोल लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, इसके एक मोल लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए और इसके एक मोल लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग हीट लगेगी, यानी कि तीनों का डेल्टा एच वेपोराइजेशन अलग अलग होगा। एंड देयर इज ए वेरी गुड चांस कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग हो, है ना। हाँ सर अलग अलग हो। ये तीनों का अलग अलग, ये भी तीनों का अलग अलग। कमाल की बात यह है ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, इनकी जो रेशियो आ रही है दैट इज डेल्टा एच वेपोराइजेशन वो इन तीनों की सेम होगी, है ना कमाल की बात, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ट्रॉटन्स रूल। क्या कहता है ट्रॉटन्स रूल? के डेल्टा एच वेपोराइजेशन पर मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 88 जूल पर केल्विन पर मोल फॉर लिक्विड्स। अलग अलग लिक्विड्स के लिए एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हर एक लिक्विड का अलग, बॉइलिंग पॉइंट अलग, बट उसकी जो रेशियो होगी दैट इज एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट, वो सबकी क्या आती है? 88 जूल पर केल्विन पर मोल। सर क्या ये हर एक प्रकार के लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है? ये दो प्रकार के लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर किसी लिक्विड ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखी है या मेटालिक बॉन्ड बना रखी है तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके अलावा हर एक लिक्विड के लिए ये एप्लीकेबल है। सर एग्जांपल दे सकते हो? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखी है या मेटालिक बॉन्ड बना रखी है, मेटालिक बॉन्ड वाला लिक्विड मेटल होगा तो बताओ किस मेटल के बारे में बात हो रही है? सर मरकरी के बारे में बात हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड वाले तो एग्जांपल बहुत सारे पता होंगे आपको, पानी जैसे, वही लिखा हुआ है यहां पे। ट्रॉटन्स रूल इज वैलिड फॉर ऑल लिक्विड्स एक्सेप्ट जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, जैसे पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या लिक्विड जिसमें मेटालिक बॉन्ड होती है जैसे कि मरकरी हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनके बारे में ख्याल रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन।
इतना तो पता ही होगा सब्लिमेशन का मतलब क्या, आज ही बताया था। जो सब्सटेंस सॉलिड से किस में जाते हैं, सीधा गैस में जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ड्राई आइस हो गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया, इस तरह की नेप्थलीन हो गया, सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। जब एक मोल सॉलिड से एक मोल गैस में कन्वर्ट होगा, जो भी एंट्रोपी चेंज आएगा उसे बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सर उसको लिखा कैसे जाएगा, ऊपर आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सर अब की बार नीचे कौन सा टेम्परेचर होगा, ये वही है ना हीट चेंज, हाँ सर नीचे वो टेम्परेचर होगा जहां पर वो सब्लाइम होगा। सर क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा, नहीं। क्या ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, नहीं। ये वो टेम्परेचर होगा जिसमें वो सब्सटेंस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, वो हर एक के लिए अलग अलग होगा, ठीक है सर। अब बात करते हैं एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पूरा नाम लिखा हुआ है, प्रोसेस रिवर्सिबल है, बहुत स्लो 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 हो रही है, आइसोथर्मल है यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है सर, और एक्सपेंशन है, गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। डेल्टा एस का फॉर्मूला वही रहेगा, जितनी हीट चेंज आएगी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। अगर आप थर्मोडाइनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का पहला पार्ट पढ़ के आए हैं तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या था। सर इसका फॉर्मूला था, ऐसे लिखना हो तो ऐसे कह देना सर, एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन डिवाइडेड बाई ये वाला टी, टी से टी कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हो एन आर नेचुरल लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन, या प्रेशर की टर्म्स में लिखना होता था तो पी वन बाई बी टू होता था, ये लास्ट में फर्स्ट पार्ट में करवाया इसके। और अगर नेचुरल लॉग को ओपन करते हैं तो सर 2.303 एन आर लॉग बेस 10 वी टू बाई वी, ठीक है जी, ये फॉर्मूला है किसके लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में जो एंट्रोपी चेंज होगा। सर पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया यहां पर कंप्रेशन आ गया तो बेटा यहां पर साइन नेगेटिव आ जाएगा, खत्म। सर एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होगा, आपने आइसोथर्मल रिवर्सिबल बता दिया, एडियाबेटिक रिवर्सिबल में क्या होगा, एडियाबेटिक रिवर्सिबल में क्या होगा, एंट्रोपी चेंज जीरो आएगा। सर क्यों जीरो आएगा, ठीक है, क्या आपको पता है यहां पर गैस एक्सपैंड हो रही है, यस सर एक्सपैंड हो रही है। जब भी गैस एक्सपैंड होती है तो एंट्रोपी बढ़ती है ना, पहले गैस मॉलिक्यूल बहुत छोटी छोटी जगह में थे, अब उनको रायते की तरह फैलने के लिए जगह मिल गई है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनकी एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। क्या आपने लास्ट क्लास पढ़ी थी और उसमें यह पढ़ा था एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज होता है, टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज होता है, ठीक है, और आज ही पढ़ा है अभी 10 मिनट पहले, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब एंट्रोपी भी क्या होगी, डिक्रीज। एक सुनो, एक्सपेंशन के कारण एंट्रोपी बढ़ रही है, टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। ये जो इंक्रीज हुआ है और ये जो डिक्रीज हुआ है दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं और टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो आएगा, टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो आएगा, वही लिखा हुआ है, डेल्टा एस इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज इक्वल टू जीरो। जीरो बिकॉज ड्यू टू एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है ना, एंट्रोपी इंक्रीजेस बट ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर एंट्रोपी डिक्रीजेस एंड दिस चेंज इज इक्वल and opposite, therefore delta S जो reversible adiabatic expansion में होगा वो zero होगा। entropy change on heating or cooling, इतना तो पता ही है entropy change बढ़ रहे हैं, आप सब सांस को या तो गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं। ये प्रोसेस दो तरह से हो सकती है, गर्म करना या ठंडा करना। सर ये लास्ट क्लास में पढ़ लिया था हमने, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। हम कौन सी पढ़ रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है भाई। क्या डेल्टा एस यही पढ़ा है हमने, क्यू बाई टी, यस। तो डी एस भी क्या होगा, डेल क्यू बाई टी,
है ना, स्मॉल चेंज के लिए बताया ना डेल लगाते हैं, लास्ट क्लास में बताया, क्योंकि प्रोसेस आइसोबैरिक है तो कांस्टेंट प्रेशर लगा दिया, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, एंथैल्पी, वही लिख दिया फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था, ये एनसीपी डीटी आ जाएगा। यस सर, सर ये तो स्मॉल चेंज के लिए बता रहे हो ना, हमें तो लार्ज चेंज के लिए बताओ, तो एंट्रोपी एस वन से एस टू, टेम्परेचर टी वन से टी टू, जहां इनिशियल टेम्परेचर जहां से हीट करना शुरू किया था, फाइनल टेम्परेचर जहां तक हीट करते जा रहे हो, बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो सर आ जाएगा एन सी पी एम, एम मतलब एक मोल के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दूंगा एन मोल से तो एन मोल्स के लिए हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ टी टू बाई टी वन, जिसे ओपन करके अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2.303 एन सी पी एम लॉग बेस 10 है अब टी टू बाई टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस, आपकी बार भी उस सब्सटेंस को आप हीट ही कर रहे हैं, बट आपकी बार कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब क्या मतलब होगा उसका, यानी कि वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, ठीक है सर, तो जहां पर आपने डी एस लिखा था वहां पर डेल क्यू कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा, क्या ये सबको पता है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सर ये डी यू होगा, हाँ तो स्मॉल चेंज के लिए आया, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं एन सी वी डी टी, बिल्कुल सर इस कर लो इसको इंटीग्रेट, अरे वाह सर, तो बिल्कुल पिछले वाला ही हो गया, बस करना क्या था जहां पर सीपीएम था वहां पर सीवीएम आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, लिमिट वही होगी टी वन से टी टू एस वन से एस टू, ओपन करेंगे इसे एन सीवीएम, टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन सीवीएम लॉग बेस टेन टी टू बाई टी, ये एंट्रोपी चेंज ऑन हीटिंग और कूलिंग है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर ये आपने अच्छा बताया, ये हम तब यूज करेंगे जब प्रेशर कांस्टेंट हो और टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, यस ये हम तब यूज करेंगे जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो और वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यस सर मान लो पेपर में कुछ ऐसा आ जाए एंट्रोपी चेंज अगर दोनों टेम्परेचर भी चेंज हो रहे हैं और प्रेशर भी चेंज हो रहे हैं, यहां से यहां जाने पर टेम्परेचर भी T1 से T2 हो गया है और प्रेशर भी P1 से P2 हो गया, क्या आपको पता है एंट्रोपी चेंज स्टेट फंक्शन होता है, यस, तो इस प्रोसेस को मैं दो हिस्सों में बांट दूंगा, पहले A से C बनाऊंगा जिसमें टेम्परेचर चेंज तो हो रहा है बट प्रेशर कॉन्स्टेंट, अच्छा सर ये तो आइसोबैरिक हो गया फिर, हाँ बिल्कुल, और फिर सी से बी बनाऊंगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा बट प्रेशर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये आइसोथर्मल हो गया, क्या आइसोबैरिक, और इसको डेल्टा एस वन बोल दूंगा, इसको डेल्टा एस टू बोल दूंगा, टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू होगा, आप देख के बताइए क्या डेल्टा एस वन, अभी अभी जस्ट अभी अभी पढ़ा हमने आइसोबैरिक वाले में, कुछ ऐसे पढ़ा था एन सी पी एम नेचुरल लॉग ऑफ टी टू बाई टी वन, यस, क्या ये अभी अभी पढ़ा आइसोथर्मल में एन आर नेचुरल लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन या वही पी वन बाई पी टू, जो भी आप लिखना चाहो वो आपकी मनमर्जी है, ठीक है, हाँ सर अभी पढ़ा था। इसी तरह से अगले वाले में हमने क्या किया, एंट्रोपी चेंज अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं, यहां पर V1 आना है, V2 आना है, V1 आना है, V2 आना है, आइसोकोरिक आना है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, ठीक है वापिस आ रहे हैं, A से B गए, यहां से यहां जाने पर टेम्परेचर भी देखो चेंज हो रहा है, T1 से T2 जा रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होता है, तो मैंने इस प्रोसेस को दो हिस्सों में बांट लिया, पहले वाले में टेम्परेचर चेंज किया है बट वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि ये आइसोकोरिक है, यहां से यहां जाने पर टेम्परेचर मैंने सेम रखा है, वॉल्यूम चेंज किया है, इसका मतलब ये आइसोथर्मल है, इसका नाम रख दिया डेल्टा एस वन, इसका नाम रख दिया डेल्टा एस टू,
इनिशियल फाइनल पॉइंट दोनों के सेम है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू आ जाएगा। यस, तो डेल्टा एस किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एस वन। सर अभी अभी पढ़ा था, जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुए, एनसीवीएम नेचुरल लॉग ऑफ टी टू बाई टी वन। यस, और आइसोथर्मल भी अभी थोड़ा 10 मिनट पहले ही पढ़ा है, एन आर नेचुरल लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन। या प्रेशर रखना होगा तो पी वन बाई वी टू रख देना। ठीक है सर, एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ गैसेस। अगर आपने गैसेस को मिक्स किया है तब क्या होगा? ये कोई एक गैस है, इसके नंबर ऑफ मोल्स एन वन है, ये कोई दूसरी गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स एन टू है। आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने पर जो एंट्रोपी चेंज आएगा डेल्टा एस मिक्सिंग, वो किसके बराबर होगा? टोटल, दैट इज 2.303 आर एन वन लॉग काई वन, काई वन कहना है काई वन कह लो, एक्स वन कहना है एक्स वन कह लो, प्लस एन टू लॉग एक्स टू। सर ये एन वन क्या है? पहली गैस के मोल्स। एन टू क्या है? दूसरी गैस के मोल्स। सर ये एक्स वन या काई वन क्या है? भाई इस फर्स्ट गैस की मोल फ्रैक्शन, पता है ना मोल फ्रैक्शन क्या होती है? यस सर, ठीक है, और फर्स्ट गैस के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और एक्स टू सेकेंड गैस के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, लिखा ही हुआ है। एक्स वन पहली गैस की मोल फ्रैक्शन है, एक्स टू, ये जो यूनिट आएगा, यहां पर जो यूनिट आएगा वो यूनिट आएगा दैट इज जूल पर केल्विन। मान लो डेल्टा एक्स मिक्सिंग आने के लिए आ गई, पूछी जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, तो क्या आपको पता है टोटल मोल से डिवाइड करना पड़ेगा? हां सर, डिवाइड करना पड़ेगा, कर दो डिवाइड। जैसे ही आप टोटल नंबर ऑफ मोल से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, क्या ये काई वन बन जाएगा? काई वन मतलब एक्स वन, और ये एक्स टू बन जाएगा। ये हाँ सर, ये बन जाएगा। अब डेल्टा एक्स मिक्सिंग पर मोल आई है, पर मोल, अब की बार यूनिट क्या होगा? जूल पर केल्विन पर मोल, वो लिखा ही हुआ था सर, पर मोल। वेरी गुड सर, और देखें आगे, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो टॉपिक हमने पढ़े हैं। इसमें चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव आएगा, यानी कि डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। पहले दो अलग अलग एटम्स हैं हाइड्रोजन के, वो मिलके एच टू बना रहे हैं। पहले खुले सांड थे, कोई उधर घूम रहा था, कोई दूसरी तरफ घूम रहा था, अब दोनों मिल गए हैं, तो आपको पता है एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? नेगेटिव। एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव ही तो पूछा था, हाँ तो नेगेटिव, ये तो आंसर भी आ गया। लो चलो फिर भी बाकी ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, लिक्विड से गैस में जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगी। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, गैस एक्सपैंड हो रही है, रायता फैल रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगी। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। आंसर तो आ ही गया था, इसमें डेल्टा इज पॉजिटिव है, डेल्टा इज पॉजिटिव है, डेल्टा। नीट 2019 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। रिएक्शन हो रही है 2Cl से Cl2 में जा रहा है, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये तो मैंने आज जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्टार्ट ही किया था, उसके पहले फैक्टर में बताया था, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एक सीएल का एटम घूम रहा, दूसरा भी घूम रहा है, आपस में मिलके क्या करेंगे? सर ये आपस में इस कारण मिलते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए, और स्टेबल कब होंगे? जब अपनी एनर्जी को डिक्रीज करेंगे, यानी कि यहां से यहां जाने पर हीट रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। यस सर, एंट्रोपी के बारे में बताओ, ये तो पिछला क्वेश्चन हो गया, दो अलग अलग घूम रहे थे, एक खूंटे के साथ बांध दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली इनमें एंट्रोपी डिक्रीज होगी। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव, ये रहा लेस देन जीरो, डेल्टा एस भी नेगेटिव। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी नीट 2016 में आया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक सैंपल है परफेक्ट गैस का, आइडियल गैस का, ऑफ ऑन है, ऑफ, व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज्ड आइसोथर्मली, प्रेशर चेंज हो रहा है आइसोथर्मली, PI तो PF, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर, एंट्रोपी चेंज पूछा हुआ है। अरे सर ये तो जस्ट अभी अभी ना आइसोथर्मल में यही फॉर्मूला था, NR V2 by V1 या P1 by P2, P1 क्या था? इनिशियल, ये क्या था? फाइनल, ऐसा कोई है? NR नेचुरल लॉग ऑफ PI by PF, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और देखिए 2012 में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है, 1.435 किलो कैलोरी, ठीक है। मोलर एंट्रोपी पूछा हुआ है, डेल्टा एस
मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब फ्यूजन पूछा हुआ है सर, वो डेल्टा एच फ्यूजन होगा बाय मेल्टिंग पॉइंट होगा। यूनिट कैलोरी पर केल्विन पर मोल में चाहिए, इसको कैलोरी में रखूंगा और इसको केल्विन में, ठीक है, क्योंकि केल्विन में चाहिए मेरे को, ठीक है। तो रखो सर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये रहा, किलो कैलोरी है, कैलोरी में क्या 1435 हो जाएगा, यस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 हो जाएगा, यस। साफ पता चल रहा है 5 के टेबल के आसपास होगा, है ना, 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5 पॉइंट समथिंग। तो एक ही ऑप्शन नजर आ रही है मुझे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी बताना है कैलोरी पर केल्विन में, यानी कि आर का यूनिट कैलोरी वगैरह में लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। एक मोल गैस के लिए सीवी दे रखा है, अच्छा इसको हीट किया है इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पर आइसोबैरिकली, अच्छा जो तो अभी अभी किया सर, आइसोबैरिक वाले में क्या किया था आपने, एन सीपीएम नेचुरल लॉग ऑफ टी टू बाई टी वन, नंबर ऑफ मोल्स 1 है वो लिखे हुए। अगर सीवीएम 5/2 आर है तो सीपीएम कितना होगा सर, सीपीएम होता है सीवीएम प्लस आर, सीवीएम प्लस आर 5/2 आर में आर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2 आर, आर की वैल्यू कैलोरी में 2, आर की वैल्यू कैलोरी में 2, आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर केल्विन पर नेचुरल लॉग फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर 400 300 क्या कैंसल आउट हो जाएगा, यस। क्या सॉल्व कर सकते हो, यस सर सॉल्व कर सकते हैं ना, वैल्यू वैसे दे रखी, ठीक है सर। हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन 400 आइसोकोरिकली, अरे तो सर यहां पर एनसीवीएम रख देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको डैश रख देता हूं, एन कितना था 1, सीवीएम 5/2 आर, अरे सर ये तो कितने आसान क्वेश्चन था सर, सॉल्व तो कर लोगे, अब ये मत कहना सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, वैल्यूज भी दे रखी हैं लॉग की। किस रिएक्शन में डेल्टा एस मैक्सिमम होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, करके देखते। सॉलिड से गैस, नहीं गैस से सॉलिड में जा रहा है तो डिक्रीज हो गई, डेल्टा एनजी पॉजिटिव आता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, डेल्टा एनजी नेगेटिव आता है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। गैस से सॉलिड में जा रहा है एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, इसने तो इंक्रीज बोला है, गैस से गैस में, सॉलिड से गैस में, हाँ सर साथ में सॉलिड भी तो बन रहा है, अरे भाई कुछ सॉलिड गैस में भी तो कन्वर्ट हो रहा है, यस सर। तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव आएगा, प्रोडक्ट में एक गैसियस मोल है, रिएक्टेंट में 0 है, तो डेल्टा एनजी क्या होता था, प्रोडक्ट वाले गैसियस रिएक्टेंट वाले माइनस कर देता था, 1 - 0 1 आएगा, तो एंट्रोपी यहां पर बढ़ेगी। सर यहां पर देखो, यहां पर गैसियस मोल्स रिएक्टेंट में भी 2 हैं, प्रोडक्ट में भी 2 हैं, 2 - 2 0 आएगा, तो ठीक है सर, ऑप्शन आई गई थी वैसे भी बी। एंट्रोपी चेंज बताना है जब 2 मोल लिए हैं आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के, ठीक है, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, रिवर्सिबली एंड आइसोकोरिकली, तो डेल्टा एस एन सीवीएम नेचुरल लॉग ऑफ टी टू बाई टी वन, वही है ना, आइसोकोरिक है तो सीवीएम लिखा, आइसोबारिक होता तो एनसीपीएम लिख देता, नंबर ऑफ मोल्स 2 दे रखे हैं। क्या मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपको सीवीएम पता है, यस सर 3/2 आर होता, 3/2 आर होता, नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, 273 में ऐड करूंगा तो 573 हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस 473 हो जाएगा, ये 2 से यूटी कैंसिल आउट हो गया, 3R नेचुरल लॉग ऑफ 573/473, 3R नेचुरल लॉग ऑफ 573/473, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, यानी कि रिएक्टेंट की एंट्रोपी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी, किसमें, लिक्विड से गैस जा रहा है, अरे सर एंट्रोपी बढ़ेगी, ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहां पर गैसियस मोल 1 है, यहां पर गैसियस मोल्स 2 हैं, गैसियस मोल्स बढ़ते हैं एंट्रोपी बढ़ती है, बट इसने तो कम पूछा है, आंसर नहीं। नाइट्रोजन की गैस है, इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर, नाइट्रोजन की ही गैस है, इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर, टेम्परेचर का तो कोई लेना देना ही नहीं है, प्रेशर क्या आपको पता है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यस। क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगी, यस, यानी कि पहले गैस
कम जगह में थी, अब वही गैस फैल गई है। जैसे रायता फैल गया है, तो आपको पता है गैस फैलेगी तो ऑब्वियसली एंट्रोपी इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज ही पूछा? नहीं, इंक्रीज थोड़ा पूछा, डिक्रीज पूछा, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि डिक्रीज पूछा। ठीक है, आयरन 400 केल्विन पे था, आयरन 300 केल्विन पे है, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। आज ही बताया मैंने, स्पेशली MIT में लिखवाया, टेम्परेचर और एंट्रोपी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, देखने में फॉर्मूले में लगता है इनवर्सली, पर रियलिटी में डायरेक्टली होते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज तो इसका मतलब एंट्रोपी भी डिक्रीज, और डिक्रीज ही पूछा था, नेगेटिव ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी अच्छा क्वेश्चन है। फाइव मोल ऑफ एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स 5 दे रखे हैं, रिवर्सिबली गैस एक्सपैंड हो रही है 8 डेसीमीटर क्यूब से 80 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर, अच्छा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन रिवर्सिबल कांस्टेंट टेम्परेचर, रिवर्सिबल तो चेंज इन एंट्रोपी। अरे सर, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में अभी अभी तो पढ़ाया आपने, 2.303 NR, नंबर ऑफ मोल्स 5, आर की वैल्यू 25/3 लिखूंगा, जिसे 8.314 भी बोलते हैं आप, लॉग फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम V2/V1। क्या इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, आंसर आप कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा, एक मोल आइडियल गैस का कंप्रेस किया, अच्छा कंप्रेस एक्सपैंड नहीं किया, कंप्रेस किया टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज कर दिए, आधी कर दिए, वी टू इज इक्वल टू जितनी इनिशियल थी उसका हाफ कर दिए, एंड साइमल्टेनियसली उसी समय हीटेड टू ट्वाइस इट्स टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर डबल कर दिया। आपसे चेंज इन एंट्रोपी पूछा हुआ है, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमने कि जब टेम्परेचर भी चेंज होगा वॉल्यूम भी चेंज होगी, तो क्या डेल्टा एस का यही फॉर्मूला पढ़ा था, एन CVm नेचुरल लॉग ऑफ T2/T1 प्लस NR नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1, वॉल्यूम भी चेंज हुई है, टेम्परेचर भी चेंज हुआ। अब कर लो इसको, सॉल्व कर लो यार, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, तो N की जगह 1 रख लो, CVm T2/T1, T2 की जगह 2T1 लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो, यहां पर 2T1 लिखोगे, नीचे T1, T1 से T1 कैंसिल आउट, N की जगह 1, R की जगह R ही रखूंगा क्योंकि आंसर में भी R ही है, नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1, V2 की जगह क्या आ जाएगा V1/2, V2 की जगह क्या आ जाएगा V1/2, और नीचे तो V1 है, ये V1 से V1 कैंसिल आउट। अगर मैं इस 2 को ऊपर लेके जाऊं तो क्या आपको पता है साइन माइनस हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, तो CVm नेचुरल लॉग 2, ये साइन ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो साइन माइनस, R नेचुरल लॉग 2, नेचुरल लॉग 2 कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर क्या आ जाएगा CVm माइनस R, है कोई ऐसी ऑप्शन, हाँ सर ऑप्शन डी CVm माइनस R नेचुरल लॉग, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, एक हीटेड आयरन ब्लॉक है, ये कोई आयरन ब्लॉक है 127 डिग्री सेल्सियस पे, इसका टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस, लूजेस 300 जूल ऑफ हीट, अच्छा सिस्टम ने हीट लूज करी है तो -300 लिखूंगा, सराउंडिंग को करी है तो सराउंडिंग उसे गेन करेगा, उसके लिए +300 लिखूंगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन में कितना हो जाएगा 300 केल्विन, सिस्टम का कितना हो जाएगा टेम्परेचर, सिस्टम का 127 डिग्री सेल्सियस यानी कि 400 केल्विन। ठीक है, आपसे एंट्रोपी चेंज सिस्टम का पूछा है, सराउंडिंग का पूछा है, टोटल पूछा है, अरे ये तो आसान हो गया सर, सिस्टम का क्या हो जाएगा, जितना हीट चेंज है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, हीट चेंज -300 और डिवाइडेड बाय 400। ठीक है सर, यूनिट आपको पता है जूल पर केल्विन होगा, सराउंडिंग का हीट चेंज सराउंडिंग की
उसका टेम्परेचर 1 आ गया जूल पर केल्विन, ये -0.75 आ गया जूल पर केल्विन, और टोटल पूछा टोटल वो क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग सर 0.25 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि कोई ये ना कहे कि वन शॉट था जल्दी जल्दी में निपटा दिया, क्वेश्चन कम कराए, कुछ ऐसा नहीं कर रहे, हर एक प्रकार का क्वेश्चन पीवाईक्यू हमने क्लास में इंक्लूड किया। फाइंड एंट्रोपी चेंज इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज बताओ, आपको एंट्रोपी मोलर एंट्रोपी Fe2O3 की भी दे रखी है, Fe की भी दे रखी है, हाइड्रोजन की भी दे रखी है और H2O की भी दे रखी है। क्या अभी अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, यही एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, बस स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान रखना, वही एक्स वाई स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो तो पता ही है सर, वो तो नहीं भी लिखते तब भी समझ आता था। प्रोडक्ट में कौन है, दो Fe, तो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 और उसकी एंट्रोपी Fe की, Fe की एंट्रोपी 30, और कौन है प्रोडक्ट में 3 × H2O 3 और इसकी कितनी है 70 यूनिट सबके जूल पर केल्विन पर मोल है। रिएक्टेंट में देखो एक Fe2O3 उसकी 90 है, तो 1 × 90 लिखूंगा क्योंकि एक Fe2O3 और 3 H2 है, तो यानी कि 3 × 120 लिखूंगा। क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, 60 और 210 कितना होता है यार, 210 और 270 और ये कितना हो गया 360 और 90 450, तो आंसर कितना आ जाएगा -180 जूल पर केल्विन। ठीक है सर, सारी चीजें हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मो के बारे में पढ़ ली हैं, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मो क्या कहता था, फर्स्ट लॉ क्या कहता था, वही कि कोई भी 100% एफिशिएंसी की मशीन बनाना पॉसिबल है, सेकेंड लॉ ने बताया नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट भी होगी एंट्रोपी की फॉर्म में, तो ऑब्वियसली 100% एफिशिएंसी वाली मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, एक एक ये भी है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो इट इज नॉट पॉसिबल, जो उसकी लिमिटेशन थी वही इसकी डेफिनेशन है, और भी कई सारी डेफिनेशन है, टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन विद 100% efficiency। ठीक है सर, नेक्स्ट है गिब्स फ्री एनर्जी। सर ये क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी, क्या आपको पता है लड़ाई की शुरुआत साइंटिस्ट के बीच में कहां से हुई थी? सर एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कहता था एंथैल्पी देखा करो, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ऑब्वियसली वो स्पॉन्टेनियस होगी, और दूसरा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कहता है अरे नहीं नहीं एंथैल्पी मत देखा, देखो एंट्रोपी देखा करो, अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। फिर आई वो दीपिका पादुकोण जिन्होंने जीवन का वर्णन 3 शब्दों में किया, एंथैल्पी, एंट्रोपी और तीसरी दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। दीपिका ने कहा एंथैल्पी एंट्रोपी छोड़ो, तुम मेरी तरफ देखा करो, आई मीन तुम गिब्स फ्री एनर्जी देखा करो, ठीक है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है तो दैट इज रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। गिब्स फ्री एनर्जी आई कहां से, वही एंथैल्पी और एंट्रोपी को कंबाइन करके, लड़ाई खत्म है ना, ये देखो गिब्स फ्री एनर्जी जी इज इक्वल टू H-TS, देख रहे हो एंथैल्पी भी इंक्लूड हो गई एंट्रोपी भी इंक्लूड हो गई। मान लीजिए कोई रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मान रहा हूं, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट दिस इज GP, एंट्रोपी ऑफ सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की HP, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट टेम्परेचर कांस्टेंट है, SP मतलब एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, GP माइनस GR दैट इज प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी, रिएक्टेंट की दैट इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, दिस माइनस दिस, क्या वो यही आ जाएगा डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, यस इसी को आप गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी बोलते हैं। दोनों चीजें इसमें दे रखी हैं एंथैल्पी भी एंट्रोपी भी। ठीक है सर, कोई और चीजें बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल
अगर डेल्टा जी नेगेटिव आया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ना एंथैल्पी देखो ना एंट्रोपी देखो, फाइनल बस देखा करो डेल्टा जी, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और सर अगर जीरो आ गया, जीरो और अगर डेल्टा जी जीरो आ गया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, समझा डिटेल में देता हूं, फिर एक चार्ट है, चार्ट याद कर लीजिएगा उसी से काम चल जाएगा, बट मैं समझा डिटेल में देता हूं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डेल्टा एच डेल्टा एस ऑन स्पॉन्टेनियटी, किसी रिएक्शन मान लो वो राइट ना उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है यानी कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्या टेम्परेचर बढ़ा के कम करके क्या उसे स्पॉन्टेनियस बनाया जा सकता है, या डेल्टा एच बढ़ा के कम करके बढ़ाया जा, वही देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ये बात तो पक्की है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। यस, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो डेल्टा एस पॉजिटिव या डेल्टा एस नेगेटिव। यस सर, ये देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पहले इसकी वैल्यू को 50 मान लो, मैं लिख ही देता हूं 50, इसको 2 मान रहा हूं और इसको 10 मान रहा हूं, ये नेगेटिव में, ठीक है आप देख लीजिए एंथैल्पी नेगेटिव में एंट्रोपी पॉजिटिव में, चाहे टेम्परेचर को आप 2 रखो 20 रखो 200 रखो 2000 रखो, ये रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस है, हमेशा स्पॉन्टेनियस है ना, हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, इसको 2 रखो 20 रखो कुछ भी रखो, तो डेल्टा एच जब भी नेगेटिव होगा डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होगा चाहे टेम्परेचर स्लो हो सॉरी लो हो या हाई हो। इस बारे में बात करते हैं, डेल्टा एच ये है डेल्टा एस ये है, फिर वही माइनस 50 माइनस 2 इंटू 10 डेल्टा एस नेगेटिव में रखना। क्या आप देख रहे हैं राइट नाउ डेल्टा एच है टी है डेल्टा एस है, राइट नाउ आप देख रहे हैं टेम्परेचर लो रखा है मैंने, हाँ जैसे टेम्परेचर लो रखा है डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है। यस सर, तो एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर इसी को मैं टेम्परेचर इसी को मैं हाई टेम्परेचर कर दूं, ये 2 की जगह 200 कर दूं, तो सर आपको पता ही है कि डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा यानी कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। जैसे मैंने एक्सो के लिए किया है ऐसे ही एंडो के लिए भी दो केस होंगे, पहला वाला डेल्टा एस पॉजिटिव, दूसरा वाला डेल्टा एस नेगेटिव। इसमें रख के देखिएगा डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, रख के देखिएगा जैसे मैंने किया, ठीक है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी एट ऑल टेम्परेचर, चाहे लो टेम्परेचर पे रख के देखना चाहे हाई टेम्परेचर पे रख के देखना। और यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर लो टेम्परेचर रखा आपने जो पीछे पड़ा बिल्कुल उल्टा कर रहा हूं मैं, और एट हाई टेम्परेचर अगर आपने टेम्परेचर लो रखा, ठीक है तो यहां पर वैल्यू आएगा डेल्टा जी पॉजिटिव, और अगर हाई रखा तो डेल्टा जी नेगेटिव। सर कैसे, वो जस्ट पीछे जो बताया, और देखो ये पिछले वाले का उल्टा है बिल्कुल, वहां पर लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव था हाई पे डेल्टा जी पॉजिटिव था, यहां पर लो पर डेल्टा जी पॉजिटिव है हाई पर नेगेटिव है। जो ये समझाए हैं दोनों पेज, दोनों के दोनों को हमने इमेज की फॉर्म में ये रखा हुआ सारा का सारा, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए क्या दोनों पेजों का निष्कर्ष यहीं पे है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन कई बार आया और लगातार सालों साल आया। डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव कोई भी टेम्परेचर हो हमेशा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। दूसरा केस कौन सा पढ़ाया था, डेल्टा एच नेगेटिव ये भी नेगेटिव, लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव आया था हाई पे पॉजिटिव आया था। अब एंडोथर्मिक के बारे में बात करते हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव कोई भी टेम्परेचर हो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो लो पर
डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हाई होगा तो नेगेटिव आएगा। हाँ सर ये पीछे बता तो दिया, दोबारा क्यों बता रहे हैं, बस ऐसे कुछ और बातें करते हैं डेल्टा जी के बारे में, कुछ और बातें करते हैं डेल्टा जी के बारे में। जैसे आज हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सारे एलिमेंट्स के लिए एलिमेंट्री स्टेट में जीरो होता है। सिमिलरली डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन सारे एलिमेंट्स का एलिमेंट्री स्टेट के लिए जीरो होता है। H2 गैस के लिए जीरो, Cl2 गैस के लिए जीरो, Br2 लिक्विड के लिए जीरो, कार्बन ग्रेफाइट के लिए जीरो। समझ गए सारे वही लिखे हुए हमने, ठीक है। Br2 यहां पर लिक्विड, लिक्विड ठीक है सर। ये तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए, मैं कितनी बार बता चुका हूं। अगर बस ये याद रखना RBC सर रेड ब्लड सेल्स नहीं, मान लो डेल्टा एच पूछा हुआ है, रिएक्टेंट पहले आएगा किसके केस में, एक तो बॉन्ड एनर्जी के केस में और एक सी का मतलब है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के केस में। इनका मतलब है पहले रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी दी होगी बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दी होगी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन रिएक्टेंट की माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट की। इनको छोड़ के कभी भी कोई चीज पूछी जाएगी पूरे थर्मोडायनामिक्स में हमेशा प्रोडक्ट पहले रिएक्टेंट बाद में, वही दे रखा डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन प्रोडक्ट का फिर बाद में रिएक्टेंट का, ठीक है सर। गिब्स फ्री एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जो एनर्जी है उसका यूनिट जूली होगा, ये स्टेट फंक्शन होता है पढ़ा दिया हुआ है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है यस, बट अगर इसका यूनिट हमने गिब्स फ्री एनर्जी का जूल पर मोल कर दिया, ये भी एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या आ जाएगा, इंटेंसिव आ जाएगा, ठीक। डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यस। अगर मान लीजिए जब इक्विलिब्रियम था क्या डेल्टा जी जीरो था, यस, यानी कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों इक्वल हो जाएंगे, यस। क्या टेम्परेचर निकाल सकते हैं यहां से, दैट इज डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, यस। ये वो टेम्परेचर है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तभी ये दोनों इक्वल होंगे, तभी तो डेल्टा जी जीरो आएगा। अरे भैया ये 500 ये 500 तभी तो ये जीरो आएगा, यस सर। तो ये वो टेम्परेचर है जहां पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ठीक। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, क्या आपको पता है राइट नाउ ये भी 500 है, ये भी 500 है, तभी ये जीरो आया, यस। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये वैल्यू 500 से बढ़ जाएगी, 502 हो गई मान लो, क्या ये नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, ये वैल्यू बढ़ गई तो ये नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, यस। यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी अगर इस टेम्परेचर से आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, पर अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो बड़ा सिंपल है, फिर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा जो पढ़ा है हमने, कंसीडर द फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस है ठीक है, व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी। अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी तो नेगेटिव होगा ही होगा, तीसरी वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, यहां पर भी नेगेटिव है, यहां पर भी नेगेटिव है, यहां पर भी नेगेटिव है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इन्हीं में से आंसर होगा, ठीक। डेल्टा एस के बारे में बात करते हैं, तीन गैस के मॉलिक्यूल थे वो दो गैस के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, तीन गैस के मॉलिक्यूल दो गैस के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, तो क्या आपको पता है यहां पर डेल्टा एन जी नेगेटिव आएगा, डेल्टा एन जी नेगेटिव मतलब डेल्टा एस भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो सर ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव दो ही जगह पे है। अब बात करते हैं डेल्टा एच के बारे में, डेल्टा एच के बारे में, तो डेल्टा एच को हमेशा नेगेटिव होना ही पड़ेगा, आपको कैसे पता सर, लो पढ़ लो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यस। क्या ये वाला हिस्सा नेगेटिव है, यस। क्या ये हमें फाइंड आउट करना है, यस। टेम्परेचर की तो कोई वैल्यू होगी, क्या ये नेगेटिव है कि नहीं, हाँ सर ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या पॉजिटिव हो जाएगा, यस सर, उसको एक्स मान लेता हूं, जो भी था वैल्यू आ गई वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है तो क्या राइट हैंड साइड भी नेगेटिव होगी, यस। और अगर
ये हिस्सा पॉजिटिव है तो क्या इसे नेगेटिव होना ही पड़ेगा? हाँ सर, नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव आएगा, है ना। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आता है ना, नेगेटिव तो नहीं आता। तो उसका मतलब इसको क्या आना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। हाँ सर, डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन था। फॉर द प्रोसेस H2O लिक्विड से H2O सॉलिड, ठीक है, सिलेक्ट करो करेक्ट ऑप्शन। लिक्विड से सॉलिड जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड जा रहा है, क्या डेल्टा एच बताना है, डेल्टा एस बताना है, डेल्टा वी बताना है, डेल्टा जी बताना है? कोई बात, कोई बात, ये तो वो साफ पता चल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम पे होगा क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है, तो ये तो सर चारों ही हो सकते हैं ना फिर तो। कोई और बताओ, लिक्विड से सॉलिड जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड जाता है तो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो हीट रिलीज करेगा, डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए, वो भी नेगेटिव, चारों में नेगेटिव दे रखा है। अच्छा फिर चलो और बात करते हैं। अरे डेल्टा, अरे ये तो ऑप्शन ही, सॉरी हाँ सारे ऑप्शन सेम टाइप कर दिए, मैंने भी नहीं देखा, कोई बात नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ आपको। लिक्विड से अगर सॉलिड जाएगा तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। हाँ सर, सॉलिड से लिक्विड जाता है तो हीट अब्सॉर्ब करता है, डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, यहाँ पर रिलीज कर रहा है। ठीक है, डेल्टा एस बता दो, सबको पता है लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा, है ना, सॉलिड से लिक्विड जाता है डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। और डेल्टा वी बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिक्विड से सॉलिड जाने पर जनरली जब भी सब्सटेंस कोई लिक्विड से सॉलिड जाता है तो उसकी वॉल्यूम डिक्रीज होती है, बट यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होगी, पता है ना, आइस की डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगी यानी कि वॉल्यूम बढ़ रही है, और क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी जीरो होगा। ठीक है सर, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन दे रखी है जिसका डेल्टा एच भी दे रखा है, डेल्टा एस भी दे रखा है, रिएक्शन इज सपोर्टेड बाय, अरे ये तो बहुत आसान है यार, अभी तो बोला था दो ही तो फैक्टर हैं जो किसी रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस होने के लिए, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। क्या डेल्टा एच नेगेटिव है? हाँ है, तो एंथैल्पी तो उसे सपोर्ट कर रही है स्पॉन्टेनियस होने के लिए। डेल्टा एच पॉजिटिव है? नहीं नहीं है, तो इसका मतलब रिएक्शन इज सपोर्टेड बाय एंथैल्पी, 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 ऑप्शन नंबर बी। फॉर ए रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियसली, किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए? सर वो दीपिका पादुकोण ने बताया था, एंथैल्पी एंट्रोपी छोड़ो, मेरी तरफ देखो, आई मीन डेल्टा जी की तरफ देखो, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तो डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, नहीं, माइनस एच प्लस टी डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सही तो है ये, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो बताइए डेल्टा जी होता किसके बराबर है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर ये नेगेटिव है तो आपको पता ही है इसमें एक और नेगेटिव लगा दोगे तो ये बन जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ ये ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। आपको डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन निकालनी है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है सर, तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला तो वही था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बैलेंस रहना सब कुछ, हाँ बैलेंस होना चाहिए, हाँ बैलेंस है सर। एक एनओ, एनओ के लिए 86.6, और प्रोडक्ट में कौन है, 4H2O, H2O के लिए 4 × −2 = 37, और सल्फर के लिए 0, एलिमेंट का एलिमेंट्री स्टेट में 0 होता है। हाँ सर, प्रोडक्ट का तो पता चल गया, माइनस रिएक्टेंट वाले H2S, H2S की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि वहां पर 3 मोल है, 2HNO3, 2 × HNO3, HNO3 की वैल्यू −80.6 है। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है सर, ना कर सकते हो सब्ट्रैक्शन। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी में क्या चेंज आएगा? सर पता है स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा, नीट 2017 का क्वेश्चन है। कोई रिएक्शन है, डेल्टा एच इतना दे रखा है, डेल्टा एच इतना दे रखा है, ये किलो जूल में है, वो जूल में है। अच्छा रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी? अरे अभी अभी तो निकाला था वो टेम्परेचर, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, और बोला था कि इस टेम्परेचर से ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। पहले टेम्परेचर तो निकाल लें,
डेल्टा एच कितना है? 35.5 किलो जूल। जूल में कन्वर्ट करूंगा तो इतना हो जाएगा। यस सर। डेल्टा एस पूरा 83.6 ऐसे कर लेते हैं। अब कितना आएगा ये? मुझे तो कुछ 4 समथिंग लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इसे 800 मानूं और इसे 36 के उसमें मानूं, है ना, तो साफ पता चल रहा है कि 400 समथिंग आएगा, तो मैं 425 मान लेता हूं। तो ये वो टेम्परेचर है जहां पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, बट हमें तो चाहिए टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस हो जाए, स्पॉन्टेनियस, तो टेम्परेचर इससे ज्यादा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई रिएक्शन दे रखी है H2O4 लिक्विड से गैस में जा रहा है, डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा जी पूछा होगा, क्या डेल्टा जी यही होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस? यस। डेल्टा एस दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा एच पता चल जाएगा तो डेल्टा जी अपने आप पता चल जाएगा, वो हमारे फर्स्ट पार्ट से था। डेल्टा एच किसके बराबर होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है सर। डेल्टा यू कितना दे रखा है? ये किलो कैलोरी में है, वो कैलोरी में है, तो उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लेता हूं। डेल्टा एन जी प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स, रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, ये तो जीरो है, तो 2 - 0 2 हो जाएगा। आर की वैल्यू कैलोरी में रखूंगा क्योंकि आंसर भी किलो कैलोरी में है, तो 2 आ गया, और टेम्परेचर 300 है, कितना हो गया यार? 3300 हो गया। यस सर, 3300 किलो कैलोरी में रखना है तो 3.3 रख लूं। चलो मैं ऐसे ही कर लेता हूं, पहले कैलोरी में निकाल लेता हूं, 3300, टेम्परेचर 300, डेल्टा एस 20, ये कितना हो गया? 6000 में से 3300 गया तो कितना बच जाएगा यार? 27 बच जाएगा, है ना? हाँ, तो -2700 कैलोरी में, बट हमें तो किलो कैलोरी में निकालना है ना, तो -2.7 किलो कैलोरी। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बस एक डेफिनेशन बताना है आपको। ठीक है, क्या कि कभी भी जब हम जीरो केल्विन पे ले जाते हैं किसी चीज को, जीरो केल्विन कहना है जीरो केल्विन कह लो, -273 डिग्री सेल्सियस कहना है -273 डिग्री सेल्सियस कह लो, एब्सोल्यूट जीरो कहना है एब्सोल्यूट जीरो कह लो, हर एक सब्सटेंस, ठीक है, हर एक तो नहीं बोल सकते, कुछ में रेजिडुअल एंट्रोपी भी होती है, बट आपको यह कहना पड़ेगा जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा। सर, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कहने का क्या मतलब है? कि जिसमें जो सब्सटेंस जहां पे होना चाहिए वो वहीं पे होगा, कैटायन जहां होना चाहिए वहां पे होगा, एनायन जहां होना चाहिए वहीं पे होगा, अपनी जगह से हिले हुए नहीं होंगे, यानी कि वो एक परफेक्ट क्रिस्टल होगा। ठीक है, पर अगर परफेक्ट होगा तो एंट्रोपी क्या होगी? जीरो। जैसे आप अपना एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपने एक क्लास जहां से शुरू हुई थी, अब ये क्लास खत्म हो रही है, अगर आप पूरी क्लास में लगातार बैठे रहे, किसी भी तरह का आपने डिस्ट्रैक्शन नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये परफेक्ट तरीका था क्लास को कंप्लीट करने का। बीच में और हो सकता है खाना वाना खाने के लिए एक आध बार उठे हों, दैट इज ओके। ठीक है, तो आपकी एंट्रोपी क्या होगी अभी? क्या होगी? जीरो, या थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रही होगी? जीरो। वही है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, खत्म। हमारे यहां इससे ज्यादा कुछ है नहीं, केमिस्ट्री में तो नहीं है। ठीक है, एक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमारे केमिस्ट्री में नहीं है। अच्छा, पहले क्वेश्चन देख लें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, बताइए एब्सोल्यूट जीरो पे यानी कि जीरो केल्विन पे क्या एंट्रोपी पॉजिटिव होती है? नहीं, एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी जीरो होती है। हाँ, जीरो होती है, यही है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ये भी आज पढ़ा, ये भी आज पढ़ा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है, वैसे एक वर्बली आपको बता देता हूँ, वही है ना, जब ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जब आप देखेंगे कि ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे वॉल्स वगैरह रिमूव करने के बाद। ठीक है, आज हमने क्लास के शुरुआत में वो बात नहीं बोली थी जो आपको लास्ट फर्स्ट पार्ट में हमने बोली थी, क्या कि अगर आप में वाकई दम था डॉक्टर बनने के लिए जो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, अगर आपने वो पूरी क्लास ली है तो हमें बताइएगा जरूर अपने नाम से, कि मान लेते हैं आपका नाम कुछ भी है डॉक्टर अजय गुप्ता, तो डॉक्टर अजय गुप्ता ने आज हम अपनी क्लास कंप्लीट कर ली है। ठीक है,
जानबूझ के मैंने क्लास के लास्ट में बोला है ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि पता चले क्लास शुरू होते कहीं बोल तो नहीं देगा बच्चा, कोई भी कमेंट तो नहीं कर देगा, क्लास के एंड में बताएं, हमें बहुत खुशी होगी और मैं अपने दिल से दुआ भी करूँगा ऐसे हर एक बच्चे का सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो दिन रात एक कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, और उसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आना ही चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। अभी स्लाइड में कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमारे मॉड्यूल में से हैं, उनको आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।